हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? सो माई सेल्फ अभिषेक बंसल फ्रॉम बॉम्बे. आई एम एज प्रोमिस आई एम योर बैक विद द रिविजन विद वीडियो ऑफ कॉर्पोरेट लॉ. अलाइड का अपना ऑलरेडी पेंडिंग है, जो मैंने नवंबर 17 का अटेम्प्ट डाला था वही सेम आप कैरी फॉरवर्ड करोगे मई 18 के लिए. मैंने जैसे लास्ट आरटीपी वाले वीडियो में बताया था कि बहुत सारे बच्चों ने बोला सर कॉर्पोरेट का रिविजन डाल दो. सो बहुत दिल पे पत्थर रख के मैंने सोचा कि इस बार डाल ही देते हैं. ठीक है, सो सर्टन इंस्ट्रक्शन बिफोर वी मूव ऑन. नंबर वन, के आपने किसी भी टीचर से पढ़ रखा है, डू नॉट चेंज द बुक राइट नाउ. आप अपनी बुक खोल के बैठेंगे, जो भी है. मैं आपको एक फाइल दूंगा जिसमें हैंड रिटन नोट्स है पूरे कॉर्पोरेट के. ये नोट्स, जो चीज़ें मैं बोर्ड पे लिखता हूँ जब मैं पढ़ाता हूँ किसी बैच में, उसकी पूरी कॉपीड की हुई बुक में किसी स्टूडेंट ने कॉपी कर रखा है. थैंक्स टू किनल जैन, वन ऑफ माई क्रैश को स्टूडेंट, हु हैज रिटन दिस हैंड रिटन नोट्स. और वो सेम चीज़ें जो मैं बोर्ड पर पढ़ाता हूँ उसी को उसने कॉपी किया, फेयर करके रखा हुआ है. सो शी वॉज द वन हू सेड मी कि सर आप सब बच्चों के लिए डाल दीजिए कॉर्पोरेट के लिए. तो किनल जैन के सबसे पहले उसको थैंक यू बोलना सब लोग. सो आपको नीचे गूगल ड्राइव का एक लिंक दिख रहा होगा, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, नंबर टू, बुक आप चेंज मत करना. आपकी जो टीचर ने पढ़ा रखा है वही आप लेके चलोगे. मैं आपको सारी चीज़ें रिकॉल करवाता रहूँगा जो भी आपकी टीचर ने पढ़ाया हुआ है. ठीक है, डू नॉट चेंज द बुक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. वी आर वेरी क्लोज टू 58 डेज फॉर आर एग्जाम. आप बुक मत चेंज करना. तीसरा चीज़, बॉम्बे के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो कुड नॉट अटेंड माई क्रैश कोर्स. रीजन बींग, जब क्रैश कोर्स हो रहा था मेरा, तो आपका या तो GST का लेक्चर चल रहे थे, ठीक है, या फिर आपके SFM के लेक्चर चल रहे थे. बहुत ज़्यादा क्लैशिंग हुई थी. ये उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है जो ऑलरेडी मुझसे पढ़ चुके हैं. ठीक है, और जो नहीं भी पढ़े अपने टीचरों से पढ़ रखा है अपना. ठीक है, अब इस टाइम पे, अब आप मार्च में क्रैश कोर्स करके कोई मतलब है नहीं. ठीक है, क्योंकि आप 4 दिन का क्रैश कोर्स करोगे, 5,000 रुपये दोगे, मतलब है नहीं. 4 दिन में आपको पूरा कर कोई कराई नहीं कर सकता. ठीक है, और अगर आपने शुरू भी नहीं किया ना, ठीक है, किसी भी टीचर की बुक लेके बैठ जाइए. ठीक है, और टेक दिस रिविजन वीडियो अलॉन्ग विद यू. मैं आपको पूरा सेक्शन याद करवा दूंगा, सारी उसकी चीज़ें बता दूंगा क्या है, और एक बार अपने टीचर की बुक से रीड कर लेने का. सो क्या हो जाएगा, आपने सेक्शन समझ लिया, क्योंकि लॉ में क्या होता है सेक्शन ही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने पूरा सेक्शन समझ लिया, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट कर लिए, क्योंकि वो PDF फाइल जो मैं आपको दे रहा हूँ. देन यू रीड एनी ऑथर का बुक, आपको पूरा चीज़ें समझ में आ जाएगा. सो स्पेशली फॉर बॉम्बे स्टूडेंट्स हु मिस्ड माई क्रैश कोर्स, एंड आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मैंने मार्च का क्रैश कोर्स प्लान किया था एंड आई कुड नॉट टेक इट बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस. सो ये उन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो के बॉस. हाँ, आप लोग ये वीडियो देख लीजिए, कहीं और आपको पैसे भरने की जरूरत है नहीं. अगर भर रखे दोस्त, रिफंड मंगा लो, क्योंकि मतलब नहीं है 4 दिन में कहा कंबूरा होएगा तुमसे पूरा कुछ, और फालतू में 500 रुपये दे रहा हूँ. मैं दे रहा हूँ ना आपको पूरा चीज़ें, पैसा नहीं चाहिए अपने को, दुआ खाली क्या चाहिए अपने को, दुआ. ठीक है, सो नंबर वन इंस्ट्रक्शन, यू विल नॉट चेंज द बुक. नंबर टू, आप इसको नोट डाउन करते रहेंगे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है. नंबर थ्री, अब जब आप वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ आपका जो व्हाट्सएप, आपका इंस्टा, आपका जो ट्विटर, जो आपके स्नैप है, जो आपके जो एडिक्शन चीज़ है, उसको बंद कर दीजिए प्लीज़. ठीक है, नंबर फोर, जब आप पढ़ोगे, एक चैप्टर मैंने आपको कराया अभी, तो उस चैप्टर की सारी चीज़ अपन अभी समझ लेंगे हाथ की हाथ. अगर आपके पास कोई ऑथर की बुक है जहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहे हैं, हाथ के उसको सॉल्व कर लीजिए, या फिर इफ़ यू डू नॉट हैव एन ऑथर बुक, जंप टू द प्रैक्टिस मैनुअल, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए. अब आधे बच्चे पूछेंगे सर कौन सा PM करना है, दोस्त कोई PM है ही नहीं. Jan 17 एडिशन की जो PM है वही वाली चल रही है अभी भी. न्यू सिलेबस वालों, आपके लिए भी पूरा कॉर्पोरेट सेम चलेगा पूरा, देयर इज नो चेंज ऑन इट. ठीक है, तो आप वही वाला सॉल्व करोगे जो आपको बुक दे रखी है. ठीक है, अच्छा, बी सीरियस, बिकॉज वी विल नॉट बी डिस्कसिंग एनी फालतू स्टफ, विल बी गोइंग विद ओनली एग्जाम ओरिएंटेड थिंग्स. जितने भी क्रैप चीज होती है मैं हटा दूंगा, खाली जो इंपॉर्टेंट चीजें जिनमें सेक्शन में क्वेश्चन बन सकते हैं हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे. जो सबसे क्रूशल पार्ट है बच्चों के लिए वो होता है आपका महासागर, हमारा महाभारत, जिसमें बच्चे पागल हो जाते हैं. ठीक है, वही हमारी महाभारत, जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके उनको पता है, डायरेक्टर्स. ठीक है, ट्रस्ट मी, 4 दिन में मैं पूरे क्लास में डायरेक्टर्स खत्म करवा देता हूँ. 4 दिन में क्लास में, जब मैं पहली बार पढ़ा रहा होता हूँ यहाँ पर, तो अपन रिवाइज करने वाले हैं. ठीक है, सो आई थिंक 3.5-4 घंटे में पूरा डायरेक्टर्स उड़ जाएगा आपका. आई थिंक 3-4 पार्ट बनेंगे इसके. अभी तक किनल ने कुछ चैप्टर्स बनाए हैं. ठीक है, तो मैंने पहले पार्ट में वो सारे चैप्टर्स कराऊंगा. We'll go with the easiest part and then we'll jump onto the tough part. अगर पहले डायरेक्टर करा देना तो आधे बच्चे वीडियो बंद कर देंगे, गाली वाली दे देंगे. सो पहले अपन क्या करेंगे, एकदम ईजी वाला चैप्टर करेंगे. ठीक है, सो सबसे पहले अपन सिलेबस देख लेते अपना क्या क्या, जिनको नहीं पता हो तो देखो. सो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन नंबर वन, ठीक है, नो चेंज ऑफ बुक. जो भी टीचर ने आपको पढ़ा रखा है वो भगवान है भैया, उसका बुक चेंज मत करना, वही लेके चलना. ठीक है, नंबर टू, इट्स अ रिविजन वीडियो, इट्स नॉट अ फास्ट ट्रैक और अ क्रैश वीडियो. ठीक है, मैं सारी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको बॉस हाँ 55-60 मार्क आराम से आ जाएगा, कॉर्पोरेट और अलाइड मिला के दोनों.
नंबर थ्री, एडिक्शंस हैज टू बी गिवन अप. विच मीन्स योर मोबाइल, दूरध्वनि क्रमांक आपका, ठीक है वो. नंबर फोर, नो जॉइनिंग ऑफ क्रैश राइट नाउ. फालतू में पैसा वैसा देके मतलब है नहीं लोगों को, अभी इस टाइम पे दोगे तो पागल हो जाओगे, चार दिन में तंबूरा कुम से कुछ होने का है, ठीक है, कहीं भी पैसा मत दीजिए, ठीक है. नंबर फाइव, सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी, ठीक है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. नाउ तो आप लोग लॉ की बुक लेके आ जाइए फटाफट, ठीक है. आई होप जितना लिखा है समझ में आया होगा, ठीक है. सो फटाफट अपनी लॉ की बुक लेकर आ जाइए, जिस भी टीचर की, मेरे वाले मेरे एक साथ बैठ जाइए, आपके अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स है, आपके पास कोई टीचर की बुक ना, आपके पास प्रैक्टिस मैनुअल है या मॉड्यूल है, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है. देन वी विल स्टार्ट, जल्दी. नाउ सबसे पहले हम चैप्टर शुरू करने वाले, ठीक है. मैं आपको थोड़ा सा इंडेक्स दिखा दूं एग्जैक्टली क्या है, हाउ वुड वी गो अभी वी प्रोसीडिंग इन अ वे, ठीक है. सो देखो एक सेकेंड, कैसे बंद हो पाइए, सॉरी. देखो, सो टिल नाउ दिस इज अस सिलेबस विच वी आर डूइंग राइट नाउ. सो प्रोड्यूसर्स रेडी है, ऑफेंस पेनल्टीज रेडी है, ठीक है. देन ई गवर्नेंस रेडी है, फॉरेन कंपनीज रेडी है, एनसीएलटी रेडी है, कॉर्पोरेट सेक्टर प्रैक्टिस रेडी है, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, स्पेशल कोर्ट्स, मिसलेस प्रोविजन, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसका अभी भी, ठीक है. सो जैसे जैसे चीज़ें रेडी है मैं आपको उसको डालता जाऊंगा. ना तो अभी आई थिंक वी विल बी एबल टू कंप्लीट इट बाय, आई डोंट नो, देखते हैं जितना भी कंप्लीट होगा उतना कंप्लीट कर लेते हैं. जो लोग को सिलेबस नहीं पता मैं आपको बताऊँ वेटेज कैसे लेके जाने आगे. सो आपका जो कॉर्पोरेट का पार्ट है, एक सेकेंड, ठीक है, आपका जो कॉर्पोरेट का पार्ट है विच कैरीज 70 मार्क्स, ठीक है, विच इज ब्रेकअप इनटू 60 एंड 10. 10 इज योर आईबीसी वाला पार्ट, 60 में आपके कौन कौन से चैप्टर्स है, ठीक है. कुछ टॉपिक अपने कॉमन वाले चल रहे हैं, कॉमन एज इन अकाउंट्स, ऑडिटर्स, डिविडेंड, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है. ये 200 मार्क में, मैंने 200 बोला, ठीक है, लॉ ऑडिट दोनों मिला के ये करीबन आपका कैरी करेगा 16 से 20 मार्क, 200 में से करीबन 16 से 20 मार्क होगा. देन यू हैव डायरेक्टर्स अपनी महाभारत, मेरे हिसाब से मेरी मेरी बुक में डायरेक्टर्स 1 है, दैट्स अपॉइंटमेंट, 2 इज बोर्ड मीटिंग 1, 3 इज बोर्ड मीटिंग 2, एंड डायरेक्टर्स 4 इज मैनेजरल रिमिशन. ये आपका करीबन पहले 30 मार्क बोलते थे, अभी आईबीसी के चक्कर में 24 से 25 मार्क मान के चलिए, ठीक है. देन आपके कुछ महासागर वाले चैप्टर है जो अमेंड हुए थे, दैट्स एनसीएलटी एक अमेंड हुआ था, एक कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट अमेंड हुआ था, एक ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट अमेंड हुआ था, और एक वाइंडिंग अप. ये अकेला मान के चलिए करीबन, ठीक है, 12 से 16 मार्क. एंड जेन एनसिलरी चैप्टर्स, बहुत छोटे छोटे चैप्टर जैसे ऑफेंस एंड पेनल्टीज हो गया, एक क्वेश्चन आ सकता है, ई गवर्नेंस हो गया, फॉरेन कंपनी का एक क्वेश्चन आ सकता है, मिसलेनियस वाला एक चैप्टर है अपना, ठीक है. ये छोटे छोटे चैप्टर्स, ये अगर 6 से लेकर 10 मार्क की वेटेज है, ठीक है. और एक जो हमेशा जनरली फिक्स हमेशा आता था, हमको पता है वो चैप्टर कौन सा है, प्रोड्यूसर कंपनी. ये चैप्टर जनरली हमेशा आता है 8 मार्क का, नवंबर 16 टाइम आई थिंक ये 12 मार्क का आया था, फिमे 17 में पूछा नहीं, लास्ट 17 में भी इंस्टीट्यूट आई थिंक 4 या 6 मार्क का पूछा था प्रोड्यूसर कंपनी. सो वेरी इजी सिलेबस, इतना आपको पढ़ने का है. टारगेट ये रखने का आपको बस 70 में से मेरे को किसी भी कीमत पे 50 लेकर आने का है. सो 70 में से अगर मैं 50 लेकर आ गया ना, ठीक है, अलाइन में मुझे 10 12 13 जितना भी आया भगवान के दया से, अल्लाह मदद कर देना मेरी, आराम से आपको 15-20 आ जाएंगे, समझा आपको. टुवर्ड्स द एंड जब आपका पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाए सारे चैप्टर्स देख के, ठीक है, एक ही चीज़ है दोस्त, दुआ, खाली वो देते ना, बाकी नहीं चाहिए आपको, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट, आई होप आपको सिलेबस रेडी हो गया होगा, आपका समझ में आ गया पूरा क्या करना है अपने को. सबसे पहले अपन शुरू करें प्रोड्यूसर कंपनी से, निकालिए प्रोड्यूसर कंपनी. सो जिस भी टीचर की बुक आपके पास है आ जाइए उसमें प्रोड्यूसर कंपनी में, और जो अपनी ड्राइव की जो लिंक है वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए. प्रोड्यूसर कंपनी ऐसा कुछ दिख रहा होगा आपको, शुरू करें. अब देखो, सो प्रोड्यूसर कंपनी वेटेज अप्रोक्सीमेटली 8 मार्क्स, ठीक है.
8 माह के आसपास के झरने टपकते हैं, 4, 6, 8, हायर साइड 12 एक बार ही आया हुआ है, पर 8 माह मान के चलिए, पूरा 8 माह का आना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, 2-2 माह के, 3-3 माह के, 4-4 माह के एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, कुछ बच्चे पूछते हैं सर सेक्शन नंबर भी याद करने हैं क्या? ऑब्वियसली लॉ का पेपर लिख रहे हो तुम, सेक्शन नंबर याद नहीं करोगे क्या? याद करना है। सर कितना सारा कैसा याद करेगा दोस्त? करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, मैं हूं ना, करा के दूंगा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है, बस खाली दुआ देते रहना बस। नाउ सो सबसे पहले जो सेक्शन है अपनी इस शीट में, आपको दिख रहा होगा डेफिनेशन ऑफ अ प्रोड्यूसर कंपनी, दिख रहा है आपको डेफिनेशन ऑफ अ प्रोड्यूसर कंपनी? बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, डेफिनेशन क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर कंपनी इज अ, आप लोग थोड़ा बहुत याद होगा, इट इज अ बॉडी कोऑपरेट, इट इज अ बॉडी कोऑपरेट हैविंग ऑब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 581B, स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 581B एंड रजिस्टर्ड एज अ प्रोड्यूसर कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी अंडर कौन से एक्ट में, बोले बच्चों, अंडर कंपनीज एक्ट 1956, अंडर कंपनीज एक्ट 1956। पूरे फाइनल से के सिलेबस में यही चैप्टर है जहां पर आप 1956 लिखोगे, बाकी कहीं भी नहीं लिखना है आपको। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, जितनी भी अच्छी चीजें होती है वो हमेशा ए से शुरू होती है। ठीक है, सेक्शन नंबर आपका 581A, दैट इज डेफिनेशन ऑफ अ प्रोड्यूसर कंपनी। बोलो मेरे साथ, इट इज अ बॉडी कोऑपरेट हैविंग ऑब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 581B, जो अगला सेक्शन होगा, एंड रजिस्टर्ड एज अ प्रोड्यूसर कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 1956। तीन ही बातें हैं, इट इज अ बॉडी कोऑपरेट हैविंग ऑब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 581B एंड रजिस्टर्ड एज अ प्रोड्यूसर कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 1956। सो दैट इज योर डेफिनेशन, पहला सेक्शन हो गया। सो इसको टिकड़ी मार देते, मेरी भाषा में टिकड़ी जाला। नंबर टू, 581B, इसको बोलते हैं अपन ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ प्रोड्यूसर कंपनी। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ प्रोड्यूसर कंपनी में क्या होगा, देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा कंपनी में अपने बचपन में कुछ महुआ हुआ होता था। ठीक है, सो महुआ हुआ में आपको सिखाया, महुआ इज लाइक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अहुआ इज लाइक योर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, डू नॉट राइट महुआ हुआ इन द एग्जाम, टीचर विल शो यू कौआ देयर, पूरा लिख कराना। ठीक है, हमारे वहां पर महुआ में एक ऑब्जेक्ट क्लॉज होता था, ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा होता था कि जो भी कंपनी को काम करना है वो ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे वहां पर लिखा हुआ है, हमारी कंपनी है एबी लिमिटेड, उसमें लिखा हुआ है टू मेक एंड सेल वड़ा पाव, टू मेक एंड सेल वड़ा पाव, क्या मैं वड़ा पाव बेच सकता हूँ? यस सर। पर क्या उसके मैं चटनी भी बेच सकता हूँ? यस सर। अरे पर लिखा हुआ नहीं है, या तो कोई ऐसा एंसिलरी इंसिडेंटल, हाँ सर बेच सकते हो, पर क्या मैं उसके साथ ये पेंसिल बेच सकता हूँ? नहीं। तो वो क्या बोलता है, अरे कहाँ वड़ा पाव कहाँ पेंसिल, इट हैज टू बी एंसिलरी और इंसिडेंटल। सेम वे प्रोड्यूसर कंपनी, तेरे ऑब्जेक्ट क्लॉज में कुछ लिखा होना चाहिए और तू वही कर सकता है। अगर तूने उसके बाहर जाके काम किया, याद करो जैसे सिखाया हुआ आपको, अल्ट्रा वायरस, तो क्या हो जाएगा वो अल्ट्रा वायरस, एंड अगर वो अल्ट्रा वायरस हो गई तो क्या हो जाएगी वो वॉइड एब इनिशियो, क्या हो जाएगा वो वॉइड एब इनिशियो। सो देखो अभी तो ये आपको ऑब्जेक्ट मैं यहां से बता देता हूं, देखो ये कुछ ऑब्जेक्ट्स है, मतलब खाली रीड करना है, ऐसा कुछ ज्यादा काम का नहीं है, मतलब बहुत रेयर एक ही बार एग्जाम में आया होगा। सो देखो क्या क्या कर सकते हैं लोग, तो इसकी की होती थी प्रोडक्शन कंपनी, सॉरी प्रोड्यूसर कंपनी रियल हेल्प, क्या होती है इसकी, प्रोड्यूसर कंपनी रियल हेल्प, इसकी की थी एक। सो पी से क्या है वहां पर, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन हार्वेस्टिंग सेलिंग मार्केटिंग एक्सपोर्ट ऑफ प्रोड्यूस ऑफ मेंबर्स। ठीक है, आर से रेंडरिंग सर्विसेज, तीन सर्विसेज होती थी, टेक्निकल R&D एंड ट्रेनिंग। ई से providing education of mutual assistance, A promoting mutual assistance among members, L क्या कर रहे हैं अपन वहां पर, financing, that is loan दे रहे हैं या credit facility दे रहे हैं to members for above purposes, H helping members in respect of processing their product। ठीक है, E manufacture sale supply of machinery equipment to the members, L life insurance निकाल रहे हैं अपन किसका, इंसानों का, मतलब producers का, stock insurance निकाल रहे हैं किसका, produce का, P जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इतना ही था खाली बस, ये प्रोड्यूसर कंपनी रियल हेल्प। सो फटाफट जिस भी टीचर की बुक में आपका होगा तो उस कोड को मार्क कर लीजिए, प्रोड्यूसर कंपनी रियल हेल्प। ठीक है, या जिनके पास बुक नहीं है किसी टीचर की, तो या तो पीएम में मिल जाएगा आपको या मॉड्यूल में। ठीक है, यही है, वेरी रेयर इन द एग्जाम, एक ही बार आया होगा जब यहां था, मार्क कर लीजिए फटाक से।
सॉरी चले आगे कूल cool. फटाफट रिकॉल करो 581 ए डेफिनेशन बी ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ प्रोड्यूसर कंपनी सी सी से हो जाएगा क्रिएशन दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोड्यूसर कंपनी सी से क्या हो जाएगा क्रिएशन दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोड्यूसर कंपनी देखो अभी बहुत ही सिंपल है क्या बोलते हैं मिनिमम 10 इंडिविजुअल्स और मिनिमम 2 प्रोड्यूसर कंपनी और कॉम्बिनेशन मिनिमम 10 इंडिविजुअल्स और 2 प्रोड्यूसर कंपनी और कॉम्बिनेशन शैल मेक एन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद महुआ अलॉन्ग विद क्या जाएगा उसके महुआ Having object clause as per section 581B, having object clause as per section 581B and AUA. AUA should be signed by subscribers to the memorandum. तो क्या करना है मिनिमम 10 इंडिविजुअल मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे 10 इंसान और दो प्रोड्यूसर कंपनी मतलब मेरी प्रोड्यूसर कंपनी और उसमें राहुल है राहुल की प्रोड्यूसर कंपनी सो मेरी प्रोड्यूसर कंपनी प्लस राहुल की प्रोड्यूसर कंपनी दो लोग की कंपनी मिलकर एक नया प्रोड्यूसर कंपनी बना सकती है ठीक है या फिर कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन में क्या लोग मिनिमम 10 इंडिविजुअल्स एंड मिनिमम 2 प्रोड्यूसर कंपनी तो 10 प्लस 2 कंपनी मिलके एक नया प्रोड्यूसर कंपनी बना सकते हैं दे विल मेक एन एप्लीकेशन एप्लीकेशन में क्या देंगे साथ में अपने वो देंगे पहले महुआ महुआ में ऑब्जेक्ट क्लॉज कैसा होना चाहिए बच्चों 581B वाला फिर क्या होना चाहिए साथ में एक अव्वा लगा दोगे अव्वा को साइन कौन कर करा सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम दैट इज मिनिमम 10 इंडिविजुअल्स और 2 प्रोड्यूसर कंपनी और कॉम्बो अब बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है सर कंपनी तो साइन नहीं कर सकती कंपनी के बिहाफ पे डायरेक्टर साइन करेंगे वहां पर ये सारा कचरा उठा के किसके मुंह पे मारने का अपने को रजिस्ट्रार के मुंह पे सो देखो इट शैल बी गिवन टू द रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट इट शैल बी गिवन टू द रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी इज टू बी सिचुएटेड इतना ही है सर सो देखो पॉइंट नंबर 1 अपन बोलते हैं क्या है पॉइंट नंबर 1 मिनिमम 10 इंडिविजुअल्स और 2 प्रोड्यूसर कंपनी शैल मेक एन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्ट क्लॉज ठीक है अलॉन्ग विद द मऊआ हैविंग ऑब्जेक्ट क्लॉज एज पर 581B And AUA, which should be signed by subscribers to memorandum. Full stop. Point number 2. It shall be given to the registrar of state where the registered office of the producer company is to be situated. Point number 3. ROC will check and if satisfied, kya kar dega wo? Will register MOA and AOA. And issue koi. Koi ka matlab certificate of incorporation within. सामूहिक देश होता है कंपनी एक्ट में 30 डेज फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ अबव डॉक्यूमेंट्स एंड इश्यू कोई विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ अबव डॉक्यूमेंट्स ठीक है पॉइंट नंबर 4 ऑन रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा प्रोड्यूसर कंपनी इज अ बॉडी कोऑपरेट इट इज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स अच्छा उसके नाम के पीछे क्या होना चाहिए हमेशा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड क्या होना चाहिए प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ना वो प्राइवेट कंपनी ना वो पब्लिक कंपनी क्या बोलेंगे अपन ना वो प्राइवेट कंपनी ना वो पब्लिक कंपनी बट कंपनी से कैसे लगेगा एज इफ इट इज अ प्राइवेट कंपनी कंपनी से कैसे लगेगा एज इफ इट इज अ प्राइवेट कंपनी सो देखो प्रोड्यूसर कंपनी इज अ बॉडी कोऑपरेट इट इज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इट शैल यूज अ वर्ड्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम इट इज नीदर अ प्राइवेट कंपनी नॉर अ पब्लिक कंपनी बट कंपनी से कैसे लगेगा एज इफ इट इज अ प्राइवेट कंपनी एज इफ इट इज अ प्राइवेट कंपनी ओनली बेनिफिट्स वुड बी एप्लीकेबल नो रेस्ट्रिक्शंस क्या बोलेंगे अपन ओनली बेनिफिट्स वुड बी एप्लीकेबल नो रेस्ट्रिक्शंस अर्थात मेरी भाषा में बेनिफिट्स टिकड़ी रेस्ट्रिक्शन चौकड़ी बेनिफिट्स टिकड़ी रेस्ट्रिक्शन चौकड़ी इतना ही था चार स्टेप में क्रिएशन फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोड्यूसर कंपनी बोलो पहला पॉइंट क्या बोलेंगे अपन मिनिमम 10 इंडिविजुअल्स और मिनिमम 2 प्रोड्यूसर कंपनी और कॉम्बो शैल मेक एन एप्लीकेशन एप्लीकेशन में क्या जाएगा अपने पीछे एमओए जाएगा एमओए में ऑब्जेक्ट क्लॉज कैसा होना चाहिए 581B वाला एंड जाएगा अव्वा एंड क्या जाएगा पीछे अव्वा अव्वा को साइन कौन करेगा सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम क्लियर नंबर 2 इट शैल बी गिवन टू किसको रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट को कहां पर जहां पर आपका रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड होगा नंबर 3 आरओसी क्या करेगा भैया वो तो चेक कर देगा एंड विल रजिस्टर द कंपनी एंड रजिस्टर द महुआ हुआ एंड आपको क्या दे देगा कोई का मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ अबव डॉक्यूमेंट्स अच्छा कोई मिल गया क्या कोई मिल गया कोई मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कोई मिल गया क्या हो गया अभी आप कंपनी पैदा हो गए क्या बोलेंगे अपन इट इज अ बॉडी कोऑपरेट इट इज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स अच्छा उसके नाम के पीछे क्या जाना चाहिए प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ना वो प्राइवेट कंपनी है ना वो पब्लिक कंपनी है भाई तो क्या है वो कुछ भी नहीं है इट्स अ प्रोड्यूसर कंपनी पर कंपनी से कैसे लगेगा एज इफ इट इज अ प्राइवेट कंपनी ओनली बेनिफिट्स वुड बी एप्लीकेबल नो रेस्ट्रिक्शन एक तो सही था खाली
सेक्शन नंबर कौन सा है, 581 सी, सी से क्या हो जाएगा, क्रिएशन ऑफ अ प्रोड्यूसर कंपनी, साला हो गया, इट्स अ हल हुआ, इट्स अ चिंदी, फालतू में इतना डरा देते बच्चों को, कुछ नहीं है, मजा एकदम मस्का जैसा है, फटाफट 581 ए, ए जल्दी बोलो, ए ए डेफिनेशन, बी ऑब्जेक्ट, सी सी से क्रिएशन, क्रिएशन फॉर्मेशन प्रोड्यूसर कंपनी, हो गया। नाउ 581F, F से क्या होता है, फालतू इंफॉर्मेशन, इसमें आता है हेडिंग है कंटेंट्स ऑफ महुआ ऑफ अ प्रोड्यूसर कंपनी, कंटेंट्स ऑफ अ महुआ ऑफ अ प्रोड्यूसर कंपनी, ठीक है, कंटेंट्स ऑफ अ महुआ ऑफ अ प्रोड्यूसर कंपनी, बता दूं क्या है। सो खाली रीड करनी होती है इसको, कुछ काम का नहीं है ऐसे। अच्छा बचपन में अपन ने कुछ देखा होगा ना, बता दूं कहाँ देखा था ऐसा, बचपन में ऐसा कुछ सीखे थे कभी, हमारे प्रोड्यूसर का, हमें जो कंपनी का महुआ होता है उसमें बहुत सारे पेन आ जा बेटा, बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं, बराबर क्लॉजेज बचाओ फटाफट, बताओ जल्दी जल्दी, नेम क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, अबे येड़ो, पहला क्या था, नेम क्लॉज, फिर ऑब्जेक्ट क्लॉज, फिर कैपिटल क्लॉज, फिर बोलो बोलो याद आएगा कुछ, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, सीखा ऐसा कुछ, दूसरा इसका एक और नाम था सिचुएशनल क्लॉज, बराबर, फिर ऐसा कुछ सीखे होंगे डोमिसाइल क्लॉज, याद आया, पॉइंट नंबर 5 लाइबिलिटी क्लॉज, और एक और होता था पॉइंट नंबर 6 एसोसिएशन क्लॉज, या इसको अपन बोलते थे सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ठीक है, सेम चीज खाली रीड करनी है। नाम, प्रोड्यूसर कंपनी में नाम कैसा जाएगा, नाम के पीछे क्या आएगा, प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, 581 बी वाले, सी कैपिटल में क्या बताएंगे अपन, टोटल ऑथराइज कैपिटल, फिर इशूड सब्सक्राइब पेड अप, उसका भी ब्रेकअप देंगे, फेस वैल्यू बताएंगे अपन, नंबर ऑफ शेयर्स बताएंगे अपन, रजिस्टर्ड ऑफिस डोमिसाइल सिचुएशन में क्या बताते हैं अपन, एड्रेस नहीं जाता बच्चा, क्या जाता है उसमें, स्टेट, जिस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होता है उसका स्टेट का नाम, लाइबिलिटी क्लॉज में, बराबर बचपन में सीखी होगी ना ऐसे, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी दो प्रकार की होती है, एक होती है शेयर्स वाली कंपनी और एक गारंटी वाली कंपनी, बराबर गारंटी वाली कंपनी, शेयर्स वाले में क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी इज लिमिटेड, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स, गारंटी में क्या सीखे हुए, इट इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी गिवन, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी गिवन, बरोबर याद है ऐसा कुछ आपको। अच्छा बट ये तो प्रोड्यूसर कंपनी है, प्रोड्यूसर कंपनी तो एक ही, कौन सी वाली, शेयर्स वाली, तो ये वाला नहीं आएगा आपका। फिर एसोसिएशन सब्सक्रिप्शन मतलब कितने सब्सक्राइबर्स होंगे, प्रोड्यूसर कंपनी में कितने सब्सक्राइबर्स होते हैं, मिनिमम 10 इंडिविजुअल्स, या फिर दो प्रोड्यूसर कंपनी, या फिर कॉम्बो, क्लिक हुआ कुछ ये, बस इसको खाली रीड करने का है। मैं आपको बता दूं, अगर आपकी बुक में है तो ठीक है, नहीं है तो मैं आपको बता दूं कहां है ये, प्रोड्यूसर कंपनी में, आजा बाबू आजा, देखो वैसा कुछ दिखे वैसा, चलो फटाक से इसको रीड कर लो जल्दी से, नहीं तो आपकी बुक है तो आपकी बुक में से रीड करो, खाली रीड करना है 581F, F से फालतू मतलब कंटेंट्स ऑफ महुआ, रीड, रोक चले, कूल, सो हमारे चार सेक्शंस हो गए, ए डेफिनेशंस, बी ऑब्जेक्ट्स, सी सी से क्रिएशन, एफ फालतू मतलब कंटेंट्स ऑफ महुआ,
ठीक है। अब देखो, कोई आपका ऐसा दोस्त होगा हु कुड नॉट अटेंड एनी क्लास और कुड नॉट बाय अ बुक, और कोई मतलब थोड़ा सा फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक है, सो हो सके तो उसकी मदद कर देना उसको ये वीडियो प्लीज़, इफ़ यू कैन डाउनलोड इट फॉर हिम, इनकेस अगर वो नेट भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा या पीसी नहीं है घर पे, सो यू कैन डाउनलोड इट और गिव हिम इन अ पेन ड्राइव, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू हिम, फॉर मी ऑल्सो एंड फॉर यू ऑल्सो। ठीक है, मदद करो एक दूसरे की, भले अपन कितना भी बोले कि यू हैव टू बी सेल्फिश इन सी ए, बट एट दिन इंसानियत भी दिखाओ, जितना हो सके ये वीडियो लोगों को पहुँचा देना प्लीज़, जितना हो सके। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता आप कौन हो, कहाँ बैठे हो, इंडिया के कौन से पार्ट में आप बैठ के देख रहे हो, पर हो सके तो सबकी मदद करना। इफ़ यू कैन डाउनलोड इट एंड गिव इट टू सम ऑफ द वे, इट कुड बी ऑन अ पेन ड्राइव और ये, एंड एक रिक्वेस्ट है प्लीज़, इन वीडियो को डाउनलोड करके बेचना मत यार प्लीज़। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे ऐसा करने लग जाते, साला सीए फाइनल क्लियर होता है नहीं, टीचरों के वीडियो लेके सस्ते डिस्काउंट में मिले, 60% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट, यू नेवर नो कि किस टीचर की आपको कब बददुआ लग जाएगी यार, वो बेचारा मेहनत करके उसको बनाता है और तुम उसको साला तोड़ के बेचते हो, मत करना है। ये रिविजन वीडियो वैसे भी मैं इसको फ्री में दे रहा हूँ सबको, रिक्वेस्टिंग यू प्लीज डू नॉट सेल दिस एट एनी सर्कमस्टेंसेस, हो सके तो लोगों को फॉरवर्ड कर दो, फ्री में दे दो, वो शायद वो तुमको भी दुआ दोगे, इन रिटर्न तुम मुझे दुआ दे दोगे, एंड सोचो उसके दुआ अगर तुम पास होगे तुम्हारा भला हो जाएगा फिर। ठीक है, सो रिक्वेस्टिंग यू हम्बली फ्रॉम माई हार्ट कि हो सके ना प्लीज जितना हो सके उतना फॉरवर्ड कर देना इसको। ठीक है, आ जाइए आगे अभी नेक्स्ट। सो देखो, वी आर डन विद ए, वी आर डन विद ए, वी आर डन विद बी, वी आर डन विद सी, वी आर डन विद एफ, नाउ वी आर डन 581 जे, जे से। ठीक है बच्चों, आई के बाद क्या आता है? हाँ, अरे अल्फाबेट्स में रीड है, आई के बाद क्या आता है? आई के बाद क्या आता है? जे। आई के बाद क्या आता है? जे। आई के बाद क्या आता है? जे। इसको बोलते हैं इंटर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। बोलो क्या है? इंटर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी wants to get converted into producer company. Interstate cooperative society wants to get converted into a producer company. मतलब what are the steps? So society मतलब interstate cooperative society मतलब क्या? वही भाईचारा। Producer company का मतलब भी क्या था? वही भाईचारा करना है आपको। So interstate cooperative society मतलब कि भैया आपकी जो society है वो महाराष्ट्र में भी है और वो गुजरात में भी objects extend करते हैं अपने। So वो हो गया interstate। So उनको क्या करने का है? उनको producer company बनने का है। तो उनके पास दो रास्ते होते हैं। एक तो आप भैया fresh बना लीजिए पूरी। भैया अगर आपको फ्रेश बनाना है तो कौन सा सेक्शन लगा दोगे? चलो जल्दी जल्दी, क्रिएशन फॉर्मेशन। सर आप लगा देंगे 581 सी। अच्छा तो हम आपको शॉर्टकट रूट दे लेते हैं क्योंकि भैया आपका तो ऑब्जेक्ट सेम ही है ना पूरा, तो जो शॉर्टकट रूट है वो कौन सा है? हमारा कन्वर्जन वाला। सो बच्चों कन्वर्जन का सेक्शन कौन सा हो गया आपका? 581 जे। सेक्शन नंबर कौन सा है? 581 जे। आइए फटाक से, ऑलमोस्ट सिमिलर आंसर विद सी, ऑलमोस्ट सिमिलर आंसर विद सी। ठीक है अब देखो, बहुत ही बचकांड है। पहला, कन्वर्जन ऑफ इंटरस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी टू प्रोड्यूसर कंपनी। कन्वर्जन ऑफ इंटरस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी टू प्रोड्यूसर कंपनी, पहला पॉइंट। इंटरस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी विद ऑब्जेक्ट्स एक्सटेंडिंग टू मोर देन वन स्टेट शैल मेक एन एप्लीकेशन। सेम पॉइंट। ठीक है, अलॉन्ग विद स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन विद मिनिमम टू थर्ड मेजोरिटी, विद मिनिमम टू थर्ड मेजोरिटी। सुनो अभी, बहुत सारे बच्चों को समझता नहीं ये ORSR क्या होता है, सुनो अभी। मेंबर्स के जो रेजोल्यूशन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं OR, एक होता है SR। OR का मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब कितना परसेंट अप्रूवल चाहिए अपने को? मोर देन 50, मतलब 51%। SR का मतलब कितना होता है वो? 75%। बराबर, बट अगर कहीं लिखा हुआ है ऐसा कि भैया आपको है ना SR पास करना है विद टू थर्ड मेजोरिटी, विद टू थर्ड मेजोरिटी, टू थर्ड का मतलब मैथ स्टूडेंट करो फटाफट कैलसी पे 66.67, ध्यान रखना। तो वो स्पेसिफिक प्रोविजन है, कुछ नहीं लिखा है, आप हमेशा क्या अज्यूम करके चलोगे? इट इज ऑलवेज 75%। अगर स्पेसिफिकली लिखा तो उसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए उसको मानेगा कि वो 66.67 हो जाएगा। क्लियर ना? इधर देखो अभी, सो इट इज एप्लीकेशन के साथ आप क्या दोगे? SR दोगे विद मिनिमम 66.67 का अप्रूवल दे दीजिए। अच्छा NAO का मतलब होगा नेम एड्रेस ऑक्यूपेशन, क्या बोलेंगे अपन? नेम एड्रेस ऑक्यूपेशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव, ऑफ डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव, अलॉन्ग विद लिस्ट ऑफ मेंबर्स, अलॉन्ग विद लिस्ट ऑफ मेंबर्स, एंड ISCS शैल हैव द ऑब्जेक्ट्स एज पर सेक्शन 581B, ISCS शैल हैव द ऑब्जेक्ट्स एज पर 581B, मऊआ एंड अउआ। इतना सारा कचरा देना है आपको एप्लीकेशन में। बोलो ISCS विद हैविंग ऑब्जेक्ट्स एक्सटेंडिंग टू मोर देन वन स्टेट शैल मेक एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में क्या जाएगा आपका?
ऐसा विद मिनिमम 2/3 मेजोरिटी. नेम एड्रेस ऑक्यूपेशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव. फिर लिस्ट ऑफ मेंबर्स. फिर उसको ऑब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए 581B वाला प्लस महुआ एंड आहुआ. क्लियर. सेम पॉइंट 581C वाला. इट शैल बी गिवन टू. बच्चों इट शैल बी गिवन टू किसके मुंह पे मारेंगे? इट शैल बी गिवन टू ROC फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ प्रोड्यूसर कंपनी. सेम पॉइंट ही चेक्स एंड इफ सेटिस्फाई विल रजिस्टर महुआ एंड आहुआ. कितने दिन के अंदर क्या दे देगा अपने को वो? कोई दे देगा. कितने दिन के अंदर? विद इन 30 days फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ अबव डॉक्यूमेंट. सेम आंसर पूरा. फिर आज हमारा आज तारीख है 2 मार्च. ठीक है, आज की डेट को पहले हम प्रोड्यूसर कंपनी थे, सॉरी पहले हम सोसाइटी थे, आज हम कन्वर्ट हो गए प्रोड्यूसर कंपनी में. तो आज की तारीख को बोलेंगे डेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. क्या बोलेंगे अपन इसको? डेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मेशन डेट. अच्छा, पहले हम सोसाइटी थे तो हमारे पास बहुत सारी असेट्स थी, बहुत सारी लाइबिलिटी थी. सारा वो सारी खत्म हो जाएगी? नहीं, वो चालू रहेगी, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी प्रोड्यूसर कंपनी के नाम पर. अच्छा, हम पे किसी ने सूसू कर रखा था. बच्चों सूसू बोले तो सूसू केस, या हमने किसी पे सूसू कर रखा था विद फुल फोर्स एंड इफेक्ट. ठीक है, गंदी सोच वाला चुप बैठो तुम. अच्छा, आधे पोगल को तो समझ में नहीं आया क्या बोला मैंने. ठीक है, सू का मतलब बेटा केस. ठीक है, लीगल केसेस. कोई बात नहीं, पोगो देखना घर पे बैठ के. ठीक है, लीगल केसेस. तो जितने भी लीगल केसेस है वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, चलते रहेंगे, वो सारे चलते रहेंगे. ठीक है, सो देखो अभी बहुत ईजी है. सो इट इज पॉइंट नंबर फोर द डेट ऑन विच द सोसाइटी इज कन्वर्टेड इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन डेट. ठीक है, नो चेंज इन द मेंबर्स असेट्स लाइबिलिटीज राइट्स ड्यूटीज पोजिशन ऑफ लीगल केसेस, देयर वुड बी नो चेंज. ठीक है, अब इसमें एक बहुत ही भयंकर वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान से सुनना. इट इज All the directors of society will continue in office for 1 year from the transformation date. जितने भी directors of society के, जितने भी directors of society के, तो इसको mark कर लीजिए आप point number 5, no change वाले को. All the directors को mark कर लीजिए point number 6. So क्या हो जाएगा? All the directors shall continue in office for 1 year from transformation date. All the directors of society shall continue in office for 1 year from transformation date. इसका relevance यहाँ नहीं समझ में आएगा दोस्त, अगले सेक्शन में समझ में आएगा. 6 पॉइंट का आंसर. अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 4, 5, 6 मार्क का बन जाएगा. सेक्शन नंबर कौन सा है? 581J मतलब ISCS2 प्रोड्यूसर कंपनी. झाला, बहुत ही सिंपल है. जिस तारीख को आप सोसाइटी से प्रोड्यूसर बने उसको क्या बोलते हैं अपन? ट्रांसफॉर्मेशन डेट. नो चेंज इन असेट्स राइट्स ड्यूटीज लायबिलिटी पोजीशन ऑफ लीगल केसेस. ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ सोसाइटी शैल हैव अ राइट टू कंटिन्यू ऑफिस फॉर 1 year फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन डेट. बैंग हो गया दिमाग में? कूल, फटाफट मुंह मत बनाइए, सेक्शन बोलिए. 581A डेफिनेशंस, बी ऑब्जेक्ट्स, सी क्रिएशन फॉर्मेशन, एफ से फालतू कंटेंट्स ऑफ मवा, जे ISCS2 प्रोड्यूसर कंपनी. क्लियर. नाउ नेक्स्ट सेक्शन, गो विद द साउंड. 581O नो. क्या बोले अपन? 581 ओ नो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है, लिखा हुआ है ओ नो, गो विद द साउंड. 581 ओ नो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. मिनिमम कितना? 5, मैक्सिमम 15. मिनिमम 5, मैक्सिमम 15. मिनिमम 5, मैक्सिमम 15. वंस मोर, मिनिमम 5, मैक्सिमम 15. मिनिमम 5, मैक्सिमम 15. मेरा उंगली में कुछ भी कर सकता हूँ. ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री अपनी. अच्छा, अब ध्यान से सुनना. अभी मैंने क्या सिखाया 581O में? 581O says मिनिमम 5 डायरेक्टर, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर. दोस्तों बट मेरी एक सोसाइटी थी, मैं सोसाइटी से प्रोड्यूसर कंपनी बना, मेरे पास 17 डायरेक्टर्स थे. क्या होगा अब? तो लॉ क्या बोलता है? मिनिमम 5, मैक्सिमम 15. ओ सर अभी कराया ना. ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी विल कंटिन्यू इन ऑफिस फॉर 1 year फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन डेट. सॉरी, तो 17 के 17 डायरेक्टर्स आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे. कितने साल तक? 1 साल तक. सर 1 साल बाद क्या होगा? बेटा 2 लोग को वू करना पड़ेगा, वू वेकेशन ऑफ ऑफिस. तो क्योंकि मैक्सिमम का क्लॉज कितना है? 15. समझा आपको? तो उसका रेलेवेंस यहाँ नहीं था, आपने बता वो वाले सेक्शन था, वो यहाँ काम आएगा आपको. क्लियर इतना? मिनिमम 5, मैक्सिमम 15. अच्छा, अगर आप सोसाइटी से प्रोड्यूसर कंपनी बन रहे हो तो ऑल द डायरेक्टर सोसाइटी विल कंटिन्यू इन ऑफिस फॉर 1 year फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन डेट. नेक्स्ट,
581P से हो जाएगा आपका पीरियड, 581P से क्या हो जाएगा टाइम लिमिट, दैट इज पीरियड ऑफ द डायरेक्टर्स, ठीक है लिखा हुआ वैसे, सॉरी। अब देखो फटाफट रीड करते इसको अपन, द डायरेक्टर शुड बी इलेक्टेड विद इन 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, द डायरेक्टर शुड बी इलेक्टेड विद इन 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है 90 दिन में आपको अपॉइंट करना है। इन केस ऑफ सोसाइटी टू प्रोड्यूस अ कंपनी, इलेक्शन शुड बी मेड विद इन 1 ईयर इफ 5 डायरेक्टर्स होल्ड ऑफिस ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, DOC मतलब डेट ऑफ कन्वर्जन। सुन बेटा, अगर फ्रेश पैदा हो रहा है ना तो फ्रेश तो क्या करेगा, 90 दिन के अंदर अपॉइंट करेगा डायरेक्टर को। दोस्त अगर तो कन्वर्जन हो रहा है ना, कन्वर्जन तो तुमको इलेक्शन करना है विद इन 1 ईयर, प्रोवाइडेड तेरे पास 5 डायरेक्टर्स होने चाहिए। 5 डायरेक्टर्स होने चाहिए कौन से डेट को, ट्रांसफॉर्मेशन डेट को। ऐसा क्यों सर, अबे येड़ो अभी सीखा है ना ऑल द डायरेक्टर सोसाइटी, अगर 5 है तो 5 के पास वो आगे चलेंगे चलेंगे 1 साल तक। सो जो नया डायरेक्टर अपॉइंट करना है आपको कब करना है, विद इन 1 ईयर आप कर सकते हो, अगर आप फ्रेश इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो विद इन 90 डेज। सो कुछ और जो शाणे बच्चों, सर ऐसा हुआ तो कि सर मेरे पास 4 ही थे तो फिर क्या करने का बेटा, तो 4 के 4 तो चलेंगे आगे 1 साल तक, और तुम 1 को अपॉइंट करोगे कितने दिन के अंदर, विद इन 90 डेज। यहाँ लिखा विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पर यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन नहीं करेंगे, क्या पकड़ेंगे अपन, ट्रांसफॉर्मेशन पकड़ लेंगे। क्लियर, कुछ बच्चों को तो ओवरहेड्स हो गया है, सुनो रे राजा। फॉर एग्जाम्पल फ्रेश इनकॉर्पोरेशन हुई है, ठीक है फ्रेश इनकॉर्पोरेट करो तो विद इन 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन में आपको अपॉइंट करना है। बट इनके अगर आप सोसाइटी से प्रोड्यूसर कंपनी बने हो, ठीक है, और आपके पास 5 डायरेक्टर्स हैं तो 5 के 5 आगे चलेंगे 1 साल तक। सो न्यू डायरेक्टर्स को कब अपॉइंट करोगे, विद इन 1 ईयर कर लो। अगर आपके पास 4 और 4 चलेंगे 1 साल तक और 1 को अपॉइंट कर दोगे आप कितने दिन के अंदर, विद इन 90 डेज। क्लियर हो गया इतना टाइम पास। नाउ टेन्योर कहाँ होना चाहिए, इट शुड बी मेंशन इन अवा। मिनिमम टेन्योर कितना होना चाहिए, 1 ईयर का, मैक्सिमम 5 ईयर्स का। मिनिमम 1 ईयर मैक्सिमम 5 ईयर्स। अच्छा कौन अपॉइंट करेगा, ए विल बी अपॉइंटेड बाय मेंबर्स एट AGM। कौन अपॉइंट करेगा, मेंबर्स एट AGM। फिर इसमें एक पॉइंट है को ऑप्शन का, ठीक है। सो इट इज द बोर्ड कैन को ऑप्ट एक्सपर्ट डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर, एक्सपर्ट डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर। दिस डायरेक्टर शेल नॉट एक्सीड 1/5, दिस डायरेक्टर शेल नॉट एक्सीड 1/5 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स, दिस डायरेक्टर शेल नॉट एक्सीड 1/5 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 डायरेक्टर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे तो उसका मैं 1/5 कर दूंगा। बच्चों 1/5 कितना जगह, 5 1 जा 5 2 जा, तो भैया 2 डायरेक्टर्स को आप अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो 2 डायरेक्टर्स एक्सपर्ट डायरेक्टर आए हैं, ठीक है, ये लोग मीटिंग में बैठ सकते हैं, ये लोग इलेक्शन ऑफ चेयरमैन में वोट नहीं दे सकते। चेयरमैन के इलेक्शन में आप खुद सब लोग वोट दे दोगे, पर ये 2 लोग नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों खुद भी चेयरमैन के लिए लड़ सकते हैं। ये लोग डायरेक्टर जो एक्सपर्ट डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर, ये लोग चेयरमैन के लिए वोट नहीं देंगे, बट ये लोग खुद भी चेयरमैन बन सकते हैं, प्रोवाइडेड ये बात कहाँ लिखी होनी चाहिए आपके आर्टिकल्स में, कहाँ लिखी होनी चाहिए आपके आर्टिकल्स में। देखो अभी वही लिखा है यहाँ पर, द बोर्ड कैन को ऑप्ट एक्सपर्ट डायरेक्टर्स और एडिशनल डायरेक्टर्स, द बोर्ड कैन को ऑप्ट एक्सपर्ट डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर, बट दिस शुड नॉट एक्सीड 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, बराबर। दे डू नॉट हैव अ राइट टू वोट इन इलेक्शन ऑफ चेयरमैन, बट दे कैन बी इलेक्टेड एज चेयरमैन इफ अवा ऑथराइजेस, बराबर। सेम चीजें पढ़ा है मैंने आपको, वो ये इतना। 581P से पीरियड, पीरियड कितना है इनका, मिनिमम 1 ईयर मैक्सिमम 5 ईयर्स एज डन इन आर्टिकल्स। कितने दिन में अपॉइंट करना है आपको, विद इन 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बट मेरे पास ऑलरेडी 5 डायरेक्टर्स थे कन्वर्जन के टाइम पे, तो वो 5 के 5 चलेंगे 1 साल तक। सो भैया मुझे कब अपॉइंट करना है, विद इन 1 ईयर अपॉइंट करना है, ठीक है। अच्छा मेंबर्स अपॉइंट करेंगे, कहाँ अपॉइंट करेंगे इनको, AGM में अपॉइंट करेंगे। को ऑप्शन कर सकते हैं ये लोग, को ऑप्शन एक्सपर्ट को कर सकते हैं, एडिशनल को कर सकते हैं। कितना होना चाहिए वो, मैक्सिमम 1/5 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स। दे डू नॉट हैव अ राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ चेयरमैन, बट दे कैन बी इलेक्टेड एज चेयरमैन इफ आर्टिकल्स प्रोवाइड सो। हो गया आंसर, सेक्शन नंबर 581P से पीरियड। समझ में आ रहा है, आई एम गोइंग लिटिल फास्टर बिकॉज इट इज नॉट अ नॉर्मल वीडियो, इट इज अ रिविजन वीडियो। आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आपको खाली मैं सेक्शन बैंग कर रहा हूँ दिमाग में, थोड़ा फटाफट आपके तो अपना स्टार्टर एंड स्टार्टर पीछे वाला वो चलता रहे बैठ के, ठीक है। चलो फटाक से भी, ए डेफिनेशन, बी ऑब्जेक्ट्स, जो नहीं बोल रहे पॉटी आएगा, मैं पहले बोल रहा हूँ बहुत जोर से आएगा, बी काली जबान है मेरी, बी ऑब्जेक्ट्स, सी क्रिएशन, एफ 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 फालतू कंटेंट जमा हुआ, एफ के बाद जे जे ISAS सुपर से कंपनी, ओ नो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, पी पीरियड। समझा आपको, आओ अभी आओ फटाफट जल्दी जल्दी। नेक्स्ट सेक्शन 581X, ठीक है, एक्स 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 साला दुश्मन। हमारा दुश्मन कौन है बच्चों, कौन है हमारा दुश्मन, सेक्रेटरी। कौन है हमारा दुश्मन, सेक्रेटरी।
सीएलओ का दुश्मन है, छोटे कपड़े वाले अपने वही सेक्रेटरी होती है, ठीक है। अब इधर देखो, गंदी सोच वालो चुप बैठो। द अपॉइंटमेंट इज मैंडेटरी, द अपॉइंटमेंट इज मैंडेटरी इफ द एवरेज टर्नओवर, ठीक है, एवरेज टर्नओवर इज एक्सीडिंग 5 crores, इज एक्सीडिंग 5 crores इन ईच ऑफ द 3 consecutive फाइनेंशियल ईयर, इज एक्सीडिंग 5 crores इन ईच ऑफ द 3 consecutive फाइनेंशियल ईयर। मेरा अपॉइंटमेंट सीएस का मैंडेटरी तभी होगा जब मेरा टर्नओवर एक्सीड कर रहा होगा 5 crores इन ईच ऑफ द 3 consecutive फाइनेंशियल ईयर। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप एवरेज वर्ड बात करोगे, एवरेज पूरे कंपनी सेक्ट में, पूरे कंपनी सेक्ट में एवरेज के लिए कितना साल लेना होता है, हमेशा 3 साल। एवरेज के लिए कितना साल लेना होता है, हमेशा 3 साल। समझा आपको इतना चीज ना। अच्छा, अपॉइंटमेंट कौन करे, कौन होना चाहिए आपका अपॉइंटी? ही हैज टू बी मेंबर ऑफ ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। अगर आपने अपॉइंट नहीं किया बच्चे, तो क्या लग जाएगा तेरे को, लग जाएगी पेनल्टी। पेनल्टी कितनी है, 500 रुपया पर डे। पेनल्टी कितनी आपकी, 500 रुपया पर डे। नाउ अब क्या हो गया, कोई बच्चा सीएस कर ही नहीं रहा था, हम ढूंढते ढूंढते सारे बच्चे सीएस में फाइनल में अटके हुए हैं, ठीक है। सो वो क्या बोलता है, डिफरेंस फॉर डिफर्ट, मेरे को 500 रुपया नहीं भरना है। सो मैं क्या बोलूंगा, रीजनेबल एफर्ट्स वर मेड पर कोई सीएस मिला ही नहीं। दूसरा, सीएस मिला पर बहुत महंगा मिला। द फाइनेंशियल पोजिशन वॉज दैट नॉट टू एंगेज अ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी, द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंपनी वॉज सच दैट इट कैनॉट अफोर्ड अ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। सो भी आरओ से आपकी पेनल्टी शायद माफ भी कर लेगा। चार ही पॉइंट है इसमें। पहला, अपॉइंटमेंट इज मैंडेटरी इफ माई एवरेज एनुअल टर्नओवर एक्सीड्स 5 crores इन ईच ऑफ द 3 consecutive फाइनेंशियल ईयर। अपॉइंटी कौन हो गया मेरा, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, माई बाप अपना भी, ठीक है। अच्छा, पेनल्टी कितनी, अगर अपॉइंट किया तो 500 रुपया पर डे। डिफेंड करना है आपको, करो। क्या होगा, दो रीजन है। पहला, सीएस मिला ही नहीं, ऑल द रीजनेबल एफर्ट्स वर मेड, नहीं मिला अपने को। दूसरा, साला मिला पर बहुत महंगा मिला। फाइनेंशियल पोजीशन वाज नॉट टू एंगेज अ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी, सेक्शन 581X हमारा दुश्मन। कूल, आइए आगे। 581ZH, एच का मतलब क्या होगा, एच से हो जाएगा हराम का पैसा, जो मुंह बना रहे पोटिया का देखना है। एच से क्या हो जाएगा, हराम का पैसा, दैट इज बेसिकली डोनेशन, ठीक है। अच्छा, डोनेशन देने के लिए क्या पास करवाना पड़ेगा आपको, सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या पास करवाना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन, नॉर्मल है, लिखो मत 75%, एट लीस्ट अज्यूम पेपर चेकर को पता है सर का मतलब 75% होता है। खाली वही वाला एक पर्टिकुलर सेक्शन था जहां पर 66.67 था, ठीक है। डोनेशन किसके लिए देने का आपने को, फॉर प्रमोटिंग एंड वेलफेयर ऑफ द प्रोड्यूसर मेंबर और प्रोड्यूसर मेंबर्स पब्लिक और फॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ म्यूचुअल असिस्टेंस, भाईचारे के लिए पैसा दे सकते हो। डोनेशन का लिमिट कितना है, इट इज मैक्सिमम 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। मैक्सिमम कितना, 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। माय डोनेशन शुड बी लेस देन और इक्वल टू। कुछ बच्चे होते हैं, सर ये तो समझता नहीं, ये ऐसा है कि ऐसा है, मेरा ऐसे ऐसे ऐसे। सो डोनेशन शुड बी लेस देन और इक्वल टू, दैट मीन्स इट इज मैक्सिमम 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, प्रीसीडिंग मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अच्छा, इट कैन नॉट गो फॉर अ पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन, पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन इज प्रोहिबिटेड, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन इज प्रोहिबिटेड। सेक्शन नंबर कौन सा है, 581ZH, एच से मतलब हराम का पैसा। डोनेशन खाली भाईचारा के लिए दोगे, प्रिंसिपल्स ऑफ म्यूचुअल असिस्टेंस के लिए, ठीक है, फॉर प्रमोटिंग सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ पब्लिक। नंबर टू, SRC दोगे आप, ठीक है। लिमिट कितनी है, 3%, मैक्सिमम 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोहिबिटेड, ध्यान रखना। जब आपको डायरेक्टर्स कराऊंगा ना, ये वापस से रिपीट करवाऊंगा आपको, क्योंकि डायरेक्टर्स में अलग है, उधर भी पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन, उधर भी डोनेशन है, दोनों में लिमिट अलग है वहां पर, ठीक है। हाँ, चाहिए अभी 581ZJ, जे से क्या हो जाएगा, ज्यादा, जैसे क्या हो जाएगा, ज्यादा मतलब बोनस बांट रहे। 581ZJ जैसे क्या हो जाएगा, ज्यादा, इसका मतलब है बोनस शेयर्स। तो आपको दिखा दो इसमें क्या है, कुछ नहीं, चार छोटी सी बातें खाली। फाइव एट वन जेड जे, जे से क्या हो जाएगा, ज्यादा बोनस शेयर्स। एक मिनट, दे रहा हूं राजा, होल्ड ऑन, जेड जे, ठीक है। चार ही बातें, नंबर वन, इट शैल बी इश्यूड बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ अमाउंट फ्रॉम जनरल रिजर्व, पैसा कहां से आएगा, जनरल रिजर्व से। इट हैज टू गिवन इन द रेशियो ऑफ ओल्ड इज टू न्यू, इट मे बी इश्यूड इन द प्रपोर्शन ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय Members as on the date of issue of bonus shares. It must be recommended by board, approved in GM. इतना ही है पैसा। पहला कहाँ से आएगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व से। नंबर टू, जितना आपके पास ऑलरेडी होल्ड करा था उसके हिसाब से आपको मिलेगा। रिकमेंडेड बाय बोर्ड, अप्रूव बाय मेंबर्स इन जनरल मीटिंग। चार ही पॉइंट है, 2 mark का 3 mark का आंसर। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, मुंह बना रहे होंगे,
सर रिवीजन इसलिए इतना ही पढ़ा रहे हो क्या? अबे ए भाई इतना ही है, ये इतना ही है, ठीक है। 581ZJ जैसे क्या है, ज्यादा मतलब बोनस शेयर्स, ठीक है। देन ZK कैसे क्या हो जाएगा, कर्ज, कर्ज का मतलब लोन। 581ZK कैसे क्या हो जाएगा, कर्ज, कर्ज का मतलब लोन। बहुत ही टाइम पास है। देखो एक प्रोड्यूसर कंपनी में दो कैटेगरी के लोग होते हैं, एक डायरेक्टर्स एक मेंबर। पहले अपन बात करते हैं मेंबर्स की। अगर जो उस मेंबर को लोन चाहिए ना, तो बोर्ड ला के देगा। कौन देगा? बोर्ड। पावर कौन होनी चाहिए? आर्टिकल्स में। पावर कौन होनी चाहिए? आर्टिकल्स में। क्रेडिट फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी ODCC की जो फैसिलिटी, मैक्सिमम 6 महीने की क्रेडिट फैसिलिटी, मैक्सिमम 6 महीने की। लोन हैज टू बी सिक्योर्ड, लोन हैज टू बी सिक्योर्ड। मिनिमम कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। मिनिमम 3 महीना, मैक्सिमम 7 ईयर्स। मिनिमम 3 मंथ्स, रीपेबल आफ्टर 7 ईयर्स, मैक्सिमम 7 ईयर्स के लिए। मेंबर को लोन चाहिए तो दोस्त बोर्ड देगा, आर्टिकल में होना चाहिए। क्रेडिट फैसिलिटी 6 महीने की, लोन हैज टू बी सिक्योर्ड, मिनिमम 3 मंथ्स, मैक्सिमम 7 ईयर्स के लिए, ठीक है। अच्छा डायरेक्टर को लोन चाहिए तो किसका प्रो लगेगा? मेंबर्स का। क्या टाइम पास चल रहा है? मेंबर को लोन चाहिए डायरेक्टर देगा, डायरेक्टर को लोन चाहिए मेंबर देगा, फुल टाइम पास। देखो इधर सेक्शन कैसे करते हैं, 5Z की कैसे, कर्ज, कर्ज का मतलब लोन, लोन टू मेंबर्स। इट हैज टू बी गिवन बाय बोर्ड, इट हैज टू बी गिवन बाय बोर्ड इफ इट इज ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल। मैक्सिमम 6 मंथ्स क्रेडिट फैसिलिटी कैन बी गिवन, मैक्सिमम 6 मंथ्स क्रेडिट फैसिलिटी कैन बी गिवन। लोन हैज टू बी सिक्योर्ड, रीपेबल आफ्टर 3 मंथ्स बट विद इन 7 ईयर्स, रीपेबल आफ्टर 3 मंथ्स बट विद इन 7 ईयर। लोन टू डायरेक्टर्स, लोन टू डायरेक्टर्स किसका अप्रूवल चाहिए? मेंबर्स का अप्रूवल। हो गया, हॉट फेवरेट आंसर है ये, जनरली रिपीट कर ही देता है इंस्टीट्यूट। 581ZK कैसे क्या हो जाएगा, कर्ज मतलब लोन टू मेंबर्स, ठीक है। ZD, डी का मतलब होता है देना, दैट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर करना। 581ZD, डी से क्या होता है? देना मतलब ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। इधर देखो अभी जनरली इट इज नॉट ट्रांसफरेबल, जनरली आप शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, बट ट्रांसफर कर सकते हो। जनरली आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, पर आप ट्रांसफर कर सकते हो। किसका अप्रूवल चाहिए आपको? बोर्ड का अप्रूवल चाहिए। किसका अप्रूवल चाहिए? बोर्ड का। सो इट सेज जनरली इट इज नॉट ट्रांसफरेबल, बट इफ प्रायर अप्रूवल ऑफ बोर्ड इज टेकन देन ट्रांसफर कैन बी मेड। बट इफ प्रायर अप्रूवल ऑफ बोर्ड इज टेकन देन द ट्रांसफर कैन बी मेड। किसको देना पड़ेगा खाली आपको? एक्टिव मेंबर को। कौन सी वैल्यू पे? एट पार वैल्यू पे। तीन ही पॉइंट है, जनरली इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, जनरली इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, बट इफ प्रायर अप्रूवल बोर्ड इज टेकन देन इट कैन बी ट्रांसफर्ड। कौन सी वैल्यू पे? पार वैल्यू पे। बराबर, किसको दोगे खाली आप? एक्टिव मेंबर को, ठीक है। फिर इसमें एक और पॉइंट है जो इंस्टीट्यूट एग्जाम में रिपीट करता है, ये वाला पॉइंट देखो। इसमें क्या बोलता है, जैसे अपना क्या है, एक जबरा फैन है, शाहरुख खान इसमें जबरा फैन। सो एक कंपनी थी, बहुत ही नामचीन कंपनी है, उसका नाम है AB प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो शाहरुख खान क्या हो गया, इसका मेंबर बन गया। तो जब शाहरुख खान इसका मेंबर बना ना दोस्तों, क्या हो गया, उसको क्या करना है, विद इन थ्री मंथ्स मेंबरशिप के उसको एक इंसान को अपना नॉमिनी बनाना है। क्या बनाना है उसको? अपना एक नॉमिनी बनाना है। तो उसने गौरी को बना दिया, ठीक है। सो शाहरुख खान मेंबर है, विद इन थ्री मंथ्स क्या करना है, अपना एक मेंबर बनाना है, एक इंसान को अपना नॉमिनी बनाना है। कितने महीने के अंदर? विद इन 3 मंथ्स, ठीक है। अच्छा फिर शाहरुख खान भाई साहब चले गए, लेट गए भाई साहब, वो लेट शाहरुख हो गए, लेट गए वो। तो क्या होगा, जो भी शेयर्स है हमारे, जो भी शेयर्स है, सारे के सारे शेयर्स गौरी मैडम के पास आ जाएंगे। अच्छा लॉ क्या बोलते हैं, गौरी ऑल्सो हैज टू बी अ प्रोड्यूसर, गौरी ऑल्सो हैज टू बी अ प्रोड्यूसर। अगर गौरी प्रोड्यूसर नहीं है ना, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको वो शेयर्स सरेंडर करने पड़ेंगे, उसको वो शेयर्स सरेंडर करने पड़ेंगे, ठीक है। कौन सी वैल्यू पे? इधर एट पार वैल्यू और एनी वैल्यू एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय बोर्ड, और एनी वैल्यू एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द बोर्ड। तो उसको शेयर्स वापस कंपनी को देने पड़ेंगे, बहुत ही सिंपल है। 3 महीने के अंदर आप मेंबर बनते हैं, आपको क्या करने का, आपको एक नॉमिनी चूज करना है। नॉमिनी अगर आप मर जाते हो तो सारे शेयर्स इसके पास आ जाएंगे, नॉमिनी के पास आ जाएंगे। नॉमिनी कौन होना चाहिए? हमारा प्रोड्यूसर होना चाहिए। अगर वो भी प्रोड्यूसर नहीं है तो नॉमिनी को क्या करना पड़ेगा, सारा शेयर सरेंडर करना पड़ेगा। कितने महीने के अंदर? इमीडिएटली करना पड़ेगा। कौन सी वैल्यू पे? पार वैल्यू पे या फिर एट एनी वैल्यू एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय बोर्ड। देखो वही अभी, विदिन 3 मंथ्स ऑफ बिकमिंग अ मेंबर ही हैज टू नॉमिनेट अ पर्सन, ही शुड ऑल्सो बी अ प्रोड्यूसर। इफ नॉट देन ही हैज टू सरेंडर एट पार वैल्यू और सच अदर वैल्यू एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। ये वही बोल रहे हैं। सो फॉर द डिटेल कंटेंट आप अपनी बुक से पढ़ सकते हो या PM में पढ़ो, लास्ट 2 क्वेश्चन PM के इसी पर ही है, रिपीट कर रखा है बार बार, यही है इतना। सेक्शन नंबर कौन सा है? 581ZD, 581ZD, डी से देना। ZL, ठीक है, ZL इसको ऐसे याद करना पड़ेगा, मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट।
प्रोड्यूसर कंपनी में 100 करोड़ रुपए कमा लिए। अब 100 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करें ना, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, यहीं यहीं कर सकते हैं। एफडीज बॉन्ड्स बाय सीजी, एफडीज बॉन्ड्स यूनिट्स इशूड बाय सीजी एसजी कंपनीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, सीजी हो गया, एसजी हो गया, पीएफआई हो गया, कॉपी सोसाइटी हो गया, शेड्यूल बैंक हो गया, फिर कोऑपरेटिव बैंक, मतलब सेंट्रल वाले में डाल सकते हो आप, स्टेट वाले में डाल सकते हो, या कोई और एनी अदर शेड्यूल बैंक उसमें भी डाल सकते हो। सेक्शन 20 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट, इसको क्या बोलते हैं अपन, सेक्शन 20 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट, ठीक है। फिर या किसी एक मल्टी स्टेट कॉपी सोसाइटी या कोई अदर सोसाइटी में भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो इतना तो टाइम पास है, खाली रीड करना है आपको इसको, तो जो काम का वो नेक्स्ट दो है। शेयर्स ऑफ अनदर प्रोड्यूसर कंपनी, शेयर्स ऑफ अनदर प्रोड्यूसर कंपनी, शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, शेयर्स ऑफ अनदर प्रोड्यूसर कंपनी में अगर पैसा इन्वेस्ट कर दो, नो लिमिट, नो लिमिट, जितना तो पैसा डालना डाल भाई, अपना भाई है भाई, कितना पैसा डालना डाल। बट अगर तू किसी और कंपनी में पैसा डालता है, फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट सेक्टर में अपने पैसा डाला, ठीक है, सो शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी हुआ, तो कितनी औकात है आपकी भैया, मैक्सिमम 30% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, मैक्सिमम 30% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व। सो भैया अगर आप किसी और कंपनी में पैसा डाल रहे हो, किसी और कंपनी में, तो आपको एक लिमिट दी गई है, कितनी लिमिट है आपकी, मैक्सिमम 30% ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व। सर ये 30% किसका देखने का, अपना के वो सामने वाले का, किसका देखोगे, मेरे वाला तुमको तो पता है, बोलो किसका, हमेशा अपना अपना देखते सब लोग, कोई किसी का नहीं देखेगा, ठीक है, कोई किसी का नहीं, सब अपना अपना देखेंगे, ठीक है, देन चुप बैठो, तो खाली किसका देखोगे आप, हमेशा अपना अपना देखोगे, तो अपनी औकात देखेंगे, कितना पर इन्वेस्ट कर दे, सामने वाला तो साला 1000 करोड़ का आदमी होगा, उसकी कंपनी में कैसे इन्वेस्ट कर देंगे अपन, फिर अपनी औकात देखना, आपको अपना मैक्सिमम 30% डालने का है। बट दिस 30% लिमिट कैन बी एक्सीडेड इफ इफ प्रायर सीजी एंड एसआर इज टेकन इन जनरल मीटिंग, इफ प्रायर सीजी एंड एसआर इज टेकन इन जनरल मीटिंग, देन इफ द लिमिट इज एक्सीडेड, क्या चाहिए अपने को, प्रायर सीजी अप्रूवल एंड स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, इतना याद करना है, एग्जाम में यही दो क्वेश्चन में बनता है। किसी और कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करो, किसी और कंपनी में, ठीक है, तो लिमिट कितनी है आपकी, कितनी लिमिट है दोस्त, 30% ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व्स, किसका देखने का, आपको हमेशा अपना देखने का है। लिमिट कैन बी एक्सीडेड, लिमिट कैन बी एक्सीडेड इफ प्रायर सीजी एंड एसआर इज टेकन इन जनरल मीटिंग, किसी और प्रोड्यूसर कंपनी में डालो, किसी और प्रोड्यूसर कंपनी में डालो, कितना लिमिट है अपना, नो लिमिट। सेक्शन नंबर कौन सा है, 581ZL, मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है, इसको बोलते अपन 581Q, वो क्या बोलेंगे अपन, 581Q, वो दैट्स वेकेशन ऑफ ऑफिस बाय डायरेक्टर्स, ठीक है, 581Q, वो दैट इज वेकेशन ऑफ ऑफिस बाय डायरेक्टर्स, 581Q, वो वेकेशन ऑफ ऑफिस बाय डायरेक्टर, ठीक है, खाली रीड करना है। एक ऐसा इंसान जिसको कोर्ट ने कन्विक कर रखा है और उसको जेल आता है देखिए मिनिमम 6 महीने के, दोस्त तो डायरेक्टर कहने के लायक नहीं है, चल निकल। ओ बी और सी पे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बने हैं, लास्ट टाइम में भी इसी पे आया था आई थिंक। A producer company has defaulted. A producer company has defaulted of taking a loan from anywhere. Bank हो गया, company हो गया, financial issue हो गया, किसी से भी loan लिया और वो default किया है कितने दिन का? 90 दिन का। कितने दिन का? 90 दिन का। Then या फिर director ने loan लिया खुद की ही producer company से और एक भी दिन का default किया। Wicket। इधर देखो। Producer company ने loan लिया, default किया 90 दिन का। प्रोड्यूसर कंपनी ने मार्केट से लोन लिया, किसी से भी लोन लिया हो, ठीक है, और डिफॉल्ट कितने दिन का? 90 दिन का। सारे डायरेक्टर्स चलो आपके डायरेक्टर कहलाने के लायक नहीं हो। उस डायरेक्टर ने अपनी ही प्रोड्यूसर कंपनी से लोन लिया है, डिफॉल्ट कर दिया, एक भी दिन का डिफॉल्ट किया ना, वो एक भी दिन का डिफॉल्ट किया तो वो कंपनी डिफॉल्ट किया तो 90 दिन चेक करने, खुद ने डिफॉल्ट किया तो एक दिन चेक करना आपको, ठीक है। डी, अ प्रोड्यूसर कंपनी हैज नॉट फाइल्ड एनुअल अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न फॉर 3 financial years, have not repaid deposits, patronage bonus, interest, dividend for 1 year or more, or, ठीक है, तो ये इतना ही है, ये E होना चाहिए, ये अलग होना चाहिए, इसका mistake है, ये इतना ही है। अच्छा, आपने annual accounts नहीं भरे या and annual return नहीं भरा, कितने साल तक? 3 साल तक। या आपने deposits नहीं दिया है या लोगों का interest नहीं pay किया या patronage bonus नहीं दिया, कितने साल तक? 1 साल तक। ऐसा similar आप लोग सीखे हो companies act में, normal companies act में, 164 वाला, directors वाला, right? Do not mix, ठीक है, अलग है। It is annual accounts and annual return. कितने साल तक? 3 years तक। Dividend नहीं दिया, interest नहीं दिया, bonus नहीं दिया लोगों को, कितने साल तक? 1 साल तक। Wicket कीजिए। E, has not held office for the election of directors. ये एक और point होना चाहिए, E होना चाहिए। Has not elected the directors. जैसे as per जो provisions है ना कंपनी जाके, उसके हिसाब से directors को आपको appoint नहीं किया। कितने दिन में appoint करना चाहता है? Within 90 days of incorporation. या आप convert हो तो within 1 year. नहीं किया आपने, चलो निकलो। F, ये जो exam में question आता है, इसको F कर देना, ये F है।
एजीएम इज नॉट कॉल्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ साला एजीएम नहीं बुलाई ईजीएम नहीं बुलाई एजीएम नहीं बुलाई ईजीएम वेकेट बट क्यों नहीं बुलाई सर बाढ़ आ गई थी बट अगर नेचुरल कैलामिटी है तो वो एक्सेप्शन है वेकेट नहीं कर रहा है एजीएम नहीं बुलाई ईजीएम नहीं बुलाई वेकेट पर अगर नेचुरल कैलामिटी है तो वेकेट नहीं करना है एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं दो दो मार्क के वो बी सी और एफ पे बनते हैं बी में क्या था प्रोड्यूसर कंपनी ने लोन लिया 90 दिन का डिफॉल्ट किया है तो डायरेक्टर्स आप सारे विकेट कर देंगे आप डायरेक्टर हो आपने अपनी ही प्रोड्यूसर कंपनी से लोन लिया एक भी दिन का डिफॉल्ट किया विकेट कर देंगे एजीएम नहीं बुलाई ईजीएम नहीं बुलाई क्यों नहीं बुलाई सर बाढ़ आ गई थी इसलिए तो विकेट नहीं करना है ठीक है सेक्शन नंबर क्या है 581Q वो विद दिस योर 80% ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी इज ओवर खाली 20% कुछ बचकान से थोड़ी सी चीजें बची बाद में पूरा खत्म हो जाएगा आपका कूल ग्रेट आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा कोई टेंशन है नहीं आपको ठीक है अब अपन आगे का पढ़ कर रहे हैं ठीक है तो वी आर गोइंग इन अ स्पीड ऑफ 1.5x आई वन नो बट खाली ये रिविजन है ध्यान रखना ठीक है अभी अपन आगे का पार्ट कर रहे हैं देखो अभी सो नाउ दिस इज आपका 85% वहाँ खत्म हो जाता है खाली 20 का बचा हुआ ये इतना रिकॉल करना है इसमें सेक्शन याद नहीं करना खाली रीड करना है इसको इट्स इज री कन्वर्जन ऑफ अ प्रोड्यूसर कंपनी टू ISCS री कन्वर्जन ऑफ अ प्रोड्यूसर कंपनी टू ISCS ध्यान से सुनना अपन 581J में क्या थे पहले अपन ISCS थे फिर क्या बने अपन प्रोड्यूसर कंपनी अभी टाइम पास करना है रीकन्वर्जन करना है सो रीकन्वर्जन में आपको दो पॉइंट याद रखने पहला होता है एप्लीकेशन सो एप्लीकेशन करते वक्त अगर आप मेंबर से अप्लाई करवा रहे हो तो मेंबर्स कितने होने चाहिए टू थर्ड मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग अच्छा क्रेडिटर्स अगर अप्लाई कर रहे हो तो दोस्त 3/4 इन वैल्यू ऑफ टोटल क्रेडिटर्स इतने लोग अप्लाई करेंगे ठीक है अगर मेंबर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग क्रेडिटर्स कर रहे तो 3/4 इन वैल्यू ऑफ टोटल क्रेडिटर्स अच्छा अप्रूवल तो या तो एप्लीकेशन तो कर दी एप्लीकेशन किसको करनी है अपने को हाई कोर्ट को किसको करनी है हाई कोर्ट को अच्छा हाई कोर्ट को अप्लाई कर दिया हाई कोर्ट बोले जा अप्रूवल लेकर आ तो जिसने अप्लाई किया है वही अप्रूवल देगा अच्छा इन केस ऑफ मेंबर्स अगर आप बात करते हो तो मेजॉरिटी नंबर होना चाहिए वो एंड 3/4 इन वैल्यू मेजॉरिटी नंबर एंड 3/4 इन वैल्यू क्रेडिटर्स के लिए भी सेम है वो मेजॉरिटी नंबर्स एंड 3/4 इन वैल्यू 100 लोग है मीटिंग में बैठे तो 100 में से 51 लोग अप्रूवल देने चाहिए और उन 51 लोगों की होल्डिंग कितनी होनी चाहिए 3/4 इन वैल्यू मतलब 75% और यही सेम वाला जो पॉइंट है वो आप उसमें भी सीखते हो कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट वाले में मेजॉरिटी नंबर एंड 3/4 इन वैल्यू ठीक है सो एप्लीकेशन शुड बी मेड टू हाई कोर्ट फॉर इट्स अप्रूवल कोर्ट विल सैंक्शन द स्कीम इफ इट इज सैटिस्फाइड कि सारा डॉक्यूमेंट वॉक्यूमेंट सबमिट कर रखा है बराबर कोर्ट ने सैटिस्फाई कर दिया तो उसको ऑर्डर कॉपी किसको दे देने का आपको ROC को सबमिट कर देने का ROC क्या करेगा आपको कैंसिल कर देगा वहां पर फिर वो कैंसिलेशन को ऑर्डर लेके आपको जाने का MSCS के रजिस्ट्रार के पास किसके पास MSCS के रजिस्ट्रार दैट इज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी सो देन फॉर MSCS एप्लीकेशन शुड बी मेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ MSCS विद इन 6 months from the date of order. Within 6 months from the date of order. बस इतना ही है सो भैया पहले एप्लीकेशन के प्रोविजन चेक कर लो कि अप्लाई कौन कौन कर सकता है 2/3 मेंबर्स कर रहे तो मेंबर्स 3/4 इन वैल्यू अगर क्रिएटर्स कर रहे तो अच्छा जब अप्रूवल की बात करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा मेजॉरिटी नंबर एंड 3/4 इन वैल्यू मेजॉरिटी नंबर 3/4 इन वैल्यू जाके भैया कोर्ट को कर दो हाई कोर्ट को हाई कोर्ट क्या करेगा चेक करेगा एंड अगर वो खुश हो गया तो ऑर्डर पास कर देगा ऑर्डर को अभी अपने ROC को दो वो कैंसिल करेगा रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी को दो क्यों क्योंकि वो लोग उसको रजिस्टर कर देंगे टाइम पास सेक्शन ठीक है फिर अब छोटी छोटी बातें जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है आपका वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर इट सेज इफ यू आर एन इंडिविजुअल ठीक है इफ यू आर एन इंडिविजुअल वन मेंबर वन वोट यानी 10 इंडिविजुअल से अच्छा अगर वो कॉम्बो वाला होता है इंडिविजुअल एंड प्रोड्यूसर कंपनी ठीक है तो भी क्या होगा वन मेंबर वन वोट इंडिविजुअल वन मेंबर वन वोट कॉम्बो वाले हुआ तो भी वन मेंबर वन वोट अच्छा प्रोड्यूसर कंपनी कैन रेस्ट्रिक्ट द वोटिंग राइट्स ऑफ एक्टिव मेंबर इफ इट इज रिटर्न इन हुआ तो भी ये जनरली आप वोटिंग राइट रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते पर अगर आपके आर्टिकल्स में लिखा है तो आप वोटिंग राइट भी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो बट अगर आप खाली प्रोड्यूसर कंपनी वाले मेंबर्स हो मतलब दो प्रोड्यूसर कंपनी एक प्रोड्यूसर कंपनी बना सकती है सो इन द फर्स्ट ईयर इट वुड बी बेस्ड ऑन द साइज ऑफ शेयर होल्डिंग इट वुड बी बेस्ड ऑन द साइज ऑफ शेयर होल्डिंग अच्छा इन द सब्सिक्वेंट ईयर इट वुड बी बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेशन बाय रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन द वोटिंग राइट्स वुड बी बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेशन बाय रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन फर्स्ट ईयर में साइज ऑफ शेयर होल्डिंग जैसे मेरी प्रोड्यूसर कंपनी का पास 60% शेयर्स है राहुल की प्रोड्यूसर कंपनी के पास 40% शेयर्स है तो हमारा वोटिंग राइट का जो वर्थ होगा इट विल बी 60:40 अगले साल में मैंने धंधा करके लाया मैं टर्नओवर में 100 रुपये में से मैंने 30 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट किया राहुल ने 70 कॉन्ट्रीब्यूट किया तो मेरी वोटिंग की वर्थ हो जाएगी 30 राहुल की वोटिंग हो जाएगी 70 की ठीक है सो इट्स इज वोटिंग राइट कैसे डिसाइड करोगे इंडिविजुअल है तो वन मेंबर वन वोट कॉम्बो है तो वन मेंबर वन वोट वोटिंग राइट रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं बट वो आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए बराबर अच्छा अगर खाली प्रोड्यूसर कंपनी तो फर्स्ट ईयर में ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ शेयर होल्डिंग
अच्छा, इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन. पार्टिसिपेशन कैसे पता चलेगा? आपके टर्नओवर में, कॉन्ट्रीब्यूशन में. ठीक है, एजीएम, एजीएम बच्चों, एजीएम, फर्स्ट एजीएम शुड बी हेल्ड विद इन 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन. कहीं तो सीखे थे अपन, ठीक है, 90 डेज डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट में. सब्सिक्वेंट एजीएम की अगर मैं बात करूं, सब्सिक्वेंट एजीएम याद करो, आईपीसीसी में सीखा था, गैप बिटवीन टू एजीएम शुड बी मैक्सिमम 15 मंथ्स. अच्छा, एक्सटेंशन मिल सकता है फॉर मैक्सिमम 3 मंथ्स का. फर्स्ट एजीएम में नो एक्सटेंशन, 90 दिन में करके देनी है आपको. सब्सिक्वेंट एजीएम क्या बोलता है वो, भैया दो एजीएम के बीच में गैप कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 15 महीने का. आरओसी को एक्सटेंड कर सकता है मैक्सिमम 3 महीने के लिए. अच्छा, एजीएम का नोटिस कितने दिन का होना चाहिए? मिनिमम 14 डेज का. नॉर्मल कंपनी में कितना दिन सीखते थे आप? 21 डेज. यहाँ पर कितना है? 14 डेज का. क्लियर? नाउ कोरम, कोरम फॉर जनरल मीटिंग कितना है वो? 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स और रिटर्न इन अवा, विच एवर इज हायर. क्या बोलोगे? 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स. अगर अवा में लिखा है तो ज्यादा फॉलो करने का. 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स एजीएम का कोरम. देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिमूवल ऑफ मेंबर. रिमूवल ऑफ मेंबर, जनरली एक प्रोड्यूसर कंपनी बोलते हैं मेरे को आपका शक्ल पसंद है नहीं, मैं आपको निकाल के भेजना चाहती हूँ, नहीं कर सकते ऐसा. जनरली कंपनी कैन नॉट रिमूव इट्स मेंबर, बट रिमूव कर सकते हैं. कब? जब वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा. जनरली मेंबर कैन नॉट बी रिमूव, बट इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देन इट कैन बी रिमूव. जैसे हमारी प्रोड्यूसर कंपनी और अपना जो राहुल है, हम लोग क्या करते हैं, गन्ना बेचते हैं. गन्ना, यू नो, गन्ना चौकाना, ठीक है, हम गन्ना बेचते हैं. अब राहुल ने भी क्या किया, खुद की दुकान शुरू कर दी गन्ने की. राहुल हमारी कंपनी का मेंबर. अब जितना भी पैसा आएगा हम सब में बटेगा. अरे कद्दू कटेगा, सब में बटेगा, बराबर. और जो राहुल है उसी खुद के अलग से प्रोड्यूसर कंपनी शुगर केन वाली, तो वो उसमें भी धंधा शुरू कर रहा है, तो उसमें उसको 100% है, तो कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट हो गया. तो भी आप उसको निकाल के बाहर फेंक सकते हो. अच्छा, किसी को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट था वो बन नहीं सकता. फॉर एग्जाम्पल अपना कुछ श्रीधर है ये, तो श्रीधर जो है, श्रीधर की ऑलरेडी गन्ने की दुकान थी, तो वो हमारा मेंबर नहीं बन सकता. अगर उसको बनना है तो अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी. तो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट वाले ना बन सकता. अच्छा, अगर आपके पास है उसने इंटरेस्ट एक्वायर किया, आप उसको निकाल के बाहर फेंक दीजिए. बोर्ड मीटिंग नॉर्मल कंपनी से, जैसे जिसने पढ़ रखा उसको पता होगा, देयर हैज टू बी एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग्स इन ईच कैलेंडर ईयर. 1 बोर्ड मीटिंग इन एवरी क्वार्टर. देयर हैज टू बी एटलीस्ट, मतलब मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग्स इन द 1 कैलेंडर ईयर. अच्छा, हर क्वार्टर में, एक क्वार्टर बच्चों कितने एमएल का? एक क्वार्टर, हाँ, जो लोग पीते उनको पता ही होगा, ठीक है. एक क्वार्टर, वी टॉकिंग अबाउट संतरा, ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस की बात कर रहे हैं. एक क्वार्टर में कितना बोर्ड मीटिंग चाहिए अपने को, ठीक है? हर क्वार्टर में एक बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए. अच्छा, नोटिस शुड बी गिवन टू एवरी डायरेक्टर इन इंडिया और एन इट्स इंडियन एड्रेस. कितने दिन का नोटिस आना चाहिए आपका? 7 डेज, सेम है आपका. शॉर्टर नोटिस इज अलाउड प्रोवाइडेड देयर हैज टू बी रीजंस व्हिच हैज टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बाय द बोर्ड. कोरम, 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स और 3 डायरेक्टर्स व्हिच एवर इज हायर. 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स और 3 डायरेक्टर्स व्हिच एवर इज हायर. बोलो, 1/3 और 3 डायरेक्टर्स व्हिच एवर इज हायर. एजीएम, पहली एजीएम विद इन 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एक्सटेंशन नहीं. सब्सिक्वेंट एजीएम मैक्सिमम 15 महीने का गैप हो सकता है, एक्सटेंशन 3 महीने का. फिर कोरम की जब अपन बात कर रहे थे, ठीक है, कोरम की सुनो अभी. सो व्हेन यू टॉक अबाउट कोरम, तो अगर मेंबर्स का कोरम की बात करते हैं अपन, तो कितना होएगा वो? 1/4 और अवा, विच एवर इज हायर. हमेशा ध्यान रखना कोरम हमेशा हायर होता है, एक्सेप्शन कुछ और है, बता दूंगा बाद में क्या है. अच्छा, बोर्ड मीटिंग का कोरम कितना होएगा यहाँ पर? ध्यान रखना अलग आएगा. नॉर्मल डायरेक्टर्स में 1/3, 3 को नीचे उतारा 3, विच एवर इज हायर. 1/3 और 3 को नीचे उतारा, विच एवर इज हायर. यहाँ पर आप डायरेक्टर्स बोलते हो, यहाँ पर आप मेंबर्स बोलते हो. बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत रिपीटेटिव, दो दो मार्क के आंसर है. देन आपको पीएम एक और आंसर मिलेगा, ऑल्ट्रेशन इन महुआ एंड ऑल्ट्रेशन इन अवा वाला आंसर, ठीक है, वो आंसर है. बहुत ही ईजी आईपीसीसी वाला पार्ट है. जनरली ऑल्ट्रेशन इन महुआ इज नॉट अलाउड. जनरली इट इज नॉट अलाउड, बट इट इज अलाउड. क्या पास करवा दोगे आप? स्पेशल रेजोल्यूशन ओनली फॉर द ऑब्जेक्ट्स मेंशन इन सेक्शन ऑब्जेक्ट सेक्शन 581B. अच्छा, फिर टाइम पास देखो, ऑल्टर्ड महुआ की कॉपी, एसआर की कॉपी. ऑल्टर्ड महुआ की कॉपी, एसआर की कॉपी, विच शुड बी साइन बाय 2 डायरेक्टर्स. इट शुड बी गिवन टू आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग एसआर. जनरली महुआ ऑल्टर करना अलाउड नहीं है, बट अलाउड है कब? जब आप अपना एक एसआर पास करवा दोगे, ठीक है. ऑल्टर्ड महुआ की कॉपी, एसआर की कॉपी, साइन बाय 2 डायरेक्टर्स. किसको देनी है आपको? आरओसी को. कितने दिन के अंदर? विद इन 30 डेज, ठीक है. 2 मार्क का आंसर, 3 मार्क का आंसर. ऑल्ट्रेशन ऑफ महुआ, तो चेक करो पहले प्रपोज कौन करता है, फिर चेक करो अप्रूव कैसे होगा. अच्छा, प्रपोज कौन कौन कर सकता है बच्चों? अगर आप प्रपोज की बात कर रहे हो तो 2/3 ऑफ द इलेक्टेड डायरेक्टर्स कैन प्रपोज. अगर आप मेंबर्स की बात करो तो मेंबर्स कितने होने चाहिए? 1/3 ऑफ द मेंबर्स कैन प्रपोज. देखो कैसे सोचने का, 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स कर सकते हैं, 2/3 में से कितना बचा? 1/3, तो 1/3 मेंबर्स प्रपोज करेंगे. दैट्स अ वे टू रिमेंबर, ठीक है. 2/3 ऑफ द इलेक्टेड डायरेक्टर्स प्रपोज कर सकते हैं और 1/3 ऑफ द मेंबर्स प्रपोज कर सकते हैं. बट
अप्रूवल तो अपन लोग ही देंगे, अपन कैसे देंगे रे भाई, पासिंग एसआर मतलब कितना परसेंट, 75%, यहाँ पर कितना परसेंट है वो 33% है, समझा आपको। सो अगर प्रपोज कर रहे हो दोस्त, डायरेक्टर का प्रपोज करे वो ऑल्टर करो तो कितना होना चाहिए 2/3, मेंबर्स का प्रपोज करे तो कितने 1/3 ऑफ द मेंबर्स, अप्रूवल कौन देगा, मेंबर्स देगा बाय पासिंग एसआर। अब टाइम पास देखो, सेम पॉइंट ऑल्टर्ड अउवा की कॉपी अलॉन्ग, देखो ऑल्टर्ड अउवा की कॉपी, आई एम यूजिंग द वर्ड ऑल्टर्ड अउवा, एसआर की कॉपी विच शुड बी साइन बाय 2 डायरेक्टर्स शुड बी गिवन टू आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग एसआर, सेम पॉइंट है पूरा, तो ये सेम पॉइंट नीचे आ जाएगा इसके, ठीक है। फिर तीसरा एक और क्वेश्चन है पेपर पीएम में, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, याद करो आईपीसीसी में फ्रॉम वन आरओसी टू अनदर आरओसी, तो क्या लिखना है, एसआर पास करवा लो विच शुड बी सर्टिफाइड बाय 2 डायरेक्टर, सेम पॉइंट शुड बी गिवन टू आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग एसआर। अच्छा, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, मतलब महाराष्ट्र से अगर अपन लेट अस अस्यूम गुजरात शिफ्ट हुए, तो क्या कर दो, वही सेम पॉइंट, एसआर की कॉपी साइन बाय 2 डायरेक्टर शुड बी गिवन टू आरओसी विद इन 30 डेज। बट जब स्टेट चेंज कर रहे हैं दोस्त, तो बहुत बड़ी बात है, तो आपको किसका अप्रूवल चाहिए, आपको सीएलबी का, सीएलबी बच्चे हो क्लब कंपनी लॉ बोर्ड, किसका अप्रूवल चाहिए अपने को, कंपनी लॉ बोर्ड का। अच्छा, जिसको अपन क्या बोलते हैं अपन नाउ एनसीएलटी, अब एग्जाम में सीएलबी लिखेंगे क्योंकि अभी भी इसमें 1956 लाख हुए, क्लियर हो गया इतना चीज, बहुत ही टाइम पास होना था। विद दिस योर एग्जाम ओरिएंटेड प्रोड्यूसर कंपनी खत्म होता है, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो लास्ट 18 अटैम्प में मैंने इसमें नहीं कराया होगा, लास्ट 18 अटैम्प के सारे क्वेश्चन कवर्ड है आपके, 9 साल के पेपर के सारे क्वेश्चन कवर्ड, एक भी नहीं छोड़ा अपन ने, क्लियर, समझा आपको चीज, ये आई होप आपके दिमाग में क्या होगा, चीज़ें रिकॉल हो गई होगी, फटाफट एक बार सारे प्रोविजन घुमा लें अपन, ठीक है। मैंने नीचे सेक्शन की समरी भी दे रखी है, देखो फटाफट अपन बिना देखे बोलेंगे दोस्त, ठीक है, अपन बिना देखे, ठीक है, जो स्क्रीन पे देखेगा ना पॉटी, ठीक है, देखना पतला वाला आएगा अभी तो, ठीक है, शी मत करो, बिहेव तो ऐसा करो ऐसा करते नहीं हो तुम लोग, ठीक है, दूसरे प्लैनेट से आए हो क्या, अरे फ्रॉम डिफरेंट गोला, सब लोग को आते इसमें, नॉर्मल है यार। बोलो 581A डेफिनेशंस, बी ऑब्जेक्ट्स, सी सी से क्रिएशन, एफ 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 से फालतू कंटेंट संभव हुआ, जे जे आई एस एस टू प्रोड्यूसर कर लो, जे के बाद ओ ओ ओ, रुको सब देख रहे हो ना, एक सेकेंड रुक जाओ बेटा रुक जाओ, हाँ ओ, अब बोलो ओ, ओ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। 581 पी, पी से पीरियड, एक्स दुश्मन सेक्रेटरी, जेड एच 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 हराम का पैसा, जेड जे 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 ज्यादा बोनस है, जेड के से कर्ज लोन्स, जेड डी डी से देना मतलब ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, जेड एल मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड लास्ट सेक्शन 581 क्यू, वो एजीएम नहीं बुलाई, ईजीएम नहीं बुलाई, वेकेट, क्यों नहीं बुलाई, बाढ़ आ गई, नो वेकेट, कोरम फॉर मेंबर्स का मीटिंग, कोरम फॉर मेंबर्स का मीटिंग 1/4 और रिटर्न इन हुआ विच एवर इज हायर, कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग 1/3 और 3 विच एवर इज हायर, याद है ऐसा कुछ आपको, याद है आपको। डोनेशन का लिमिट कितना है दोस्त, डोनेशन का लिमिट इट इज मैक्सिमम 3% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द नॉट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर, ओनली लास्ट ईयर, मेरा उंगली है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, फिर हम लोग वो किए थे डोनेशन के बाद अपन किए थे, और क्या किए थे अपन, मिनिमम डायरेक्टर्स 5 मैक्सिमम 15, मिनिमम 5 मैक्सिमम 15, तो अगर सोसाइटी से प्रोड्यूसर कंपनी हुए तो सारे डायरेक्टर चलेंगे कितने साल तक, 1 साल तक, ठीक है। पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन इज प्रोहिबिटेड, पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन इज प्रोहिबिटेड, मेंबर्स को लोन चाहिए डायरेक्टर अप्रूवल देगा, डायरेक्टर को लोन चाहिए मेंबर्स अप्रूवल देगा। अच्छा, क्रेडिट फैसिलिटी मैक्सिमम 6 महीने की, लोन हैज टू बी सिक्योर्ड, रीपेबल फॉर मिनिमम 3 मंथ्स मैक्सिमम 7 ईयर्स, याद है आपको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो विल बी डूइंग मोर चैप्टर्स हियर, बट यू विल पॉज द वीडियो राइट नाउ, और इफ यू वांट यू कैन डू वन मोर चैप्टर विद मी, ठीक है, एंड वो 2-3 चैप्टर क्या करोगे, हाथ पर पीएम सॉल्व कर लोगे, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा दोस्त, अपने आप सारा पीएम का पूरा घूम जाएगा, एक बार पीएम घूम गया ना अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो बच्चों ने अभी भी अगर जो सोच रहे कि हम क्रैश कोर्स ज्वाइन करोगे, बेटा आपका पैरेट हो जाएगा, क्यों ज्वाइन करो, मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको अभी पूरा, खाली पीएम कर लो, जो जो भी टीचर आपको क्रैश कोर्स में पढ़ाएगा आपको 4-5 दिन में, वो भी पीएम ही करवाएगा, क्योंकि 4 दिन में पूरा लॉ कराना बहुत डिफिकल्ट है, और आपके वो वंस टॉट इज टॉट फॉर एवर, वीडियो तो अपना फ्री है ना, डाउनलोड करके अपना बिंदास यूज़ कर सकते हो उसको। सो कोई क्रैश नहीं करना है, कुछ नहीं करना है आपको, ये वीडियो देखना है, जिसको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए और डिटेल में पढ़ना, दोस्त तो पेंड्रा बाई कर ले मेरा, या किसी और का बाई कर ले, बट अपने जो पढ़ रखा है जिसने ऑलरेडी पहले से खाली रिविजन करना है, बॉस अपन करा देंगे आपका। सो बिफोर यू ज्वाइन द क्रैश कोर्स, अगर आपने किया तो दोस्त 2 मिनट साइलेंस आपके लिए, ठीक है। तो जिस भी टीचर की बुक्स आपने पढ़ रखा है फटाफट रिकॉल करेंगे अपन और पीएम सॉल्व कर लेंगे और ये वीडियो देखेंगे, कूल। चलो लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 2-3 मिनट्स, ज़्यादा नहीं, इसके बाद अपन दूसरा चैप्टर करेंगे। जो लोग एक एक चैप्टर करना चाहते हो आप एक एक चैप्टर पीएम से कर लीजिए, यहाँ पर पॉज कर दीजिए। जो लोग 2-3 चैप्टर एक साथ, अपन का एकदम रजनीकांत की फैमिली से फट फट, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे 3-4 चैप्टर एक साथ उड़ा देंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स।
चलो सो नाउ हम लोग कर रहे हैं ऑफेंस एंड पेनल्टीज, तो आपकी जो भी बुक है आपके पास उसमें आ चाहिए ऑफेंस एंड पेनल्टीज में, ठीक है, एकदम ईजी चैप्टर है ऑफेंस एंड पेनल्टीज। देखो ऑफेंस का मतलब क्या होता है, गुना, पेनल्टी का मतलब उसका सजा। तो जो सजा कंपनी एक्ट में दे रखी है वो पांच प्रकार की है, पहला होता है फाइन ओनली, दूसरा होता है इम्प्रिजनमेंट और फाइन, तीसरा होता है इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ, चौथा होता है इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, पांचवा इम्प्रिजनमेंट ओनली, इम्प्रिजनमेंट ओनली, पांच होता है, पहला कौन सा है, फाइन, इम्प्रिजनमेंट और फाइन, इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, इम्प्रिजनमेंट ओनली। आउट ऑफ दिस थ्री, फर्स्ट थ्री आर कंपाउंडेबल, फर्स्ट थ्री आर कंपाउंडेबल, द अदर टू आर नॉन कंपाउंडेबल, फर्स्ट थ्री आर कंपाउंडेबल, अदर टू आर नॉन कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल का मतलब होता है भैया, जैसे कल कोर्ट की अगर एग्जांपल है, कोर्ट ने मुझे बोला माननीय श्री 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 तमाम सबूत और गवाह को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत माननीय श्री 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 अभिषेक बंसल को 6 महीने की जेल यात्रा और साथ में उनको 50,000 का जुर्माना भुगतने को बोलती है। अब 50,000 तो अपन दे ही देंगे बराबर, अब 6 महीना अगर अपन जेल चले जाएंगे तो भाई अपना मार्केट में माचो खराब हो जाएगा, एक अटेम्प्ट स्किप हो जाएगा ना बच्चों का। सो मैं जज का, ये जज सुन तनिक का हुई, एक काम कर तो मुझसे ना 1,00,000 रुपये और ले ले, तो आई विल साइन अ बॉन्ड, वहाँ मैं लिख के दे दूंगा जज तो मुझसे 1,00,000 रुपये और ले ले। अच्छा उसमें क्या हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ कि भैया मैं वापस से कांड नहीं करूंगा। तो ऑल दोज ऑफेंस आर कंपाउंडेबल, वेर इन द आपकी जेल यात्रा को आप कम करवा सकते हो या वेव ऑफ करवा सकते हो बाय पेइंग एन एडिशनल फाइन। नॉन कंपाउंडेबल, फॉर एग्जाम्पल मर्डर हो गया, मर्डर कर दिया अपने किसी का, मर्डर कर दिया उसको, बोले जज सुनना आना जरा आओ ना, ऐसा बोले उसको, ऑल दोज आर नॉन कंपाउंडेबल। तो मर्डर, डकैती, रेप जो बहुत ही सीरियस क्राइम होते हैं वो सब आर नॉन कंपाउंडेबल, ठीक है। देन अब सेक्शन 439, पहला सेक्शन कर रहे अपन 439, इसको बोलते अपन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, क्या बोलते अपन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। बहुत ही सिंपल आंसर है, दो तीन बार आई थिंक पेपर में आ गया है, तीन बार आपके पीएम का पहला आंसर यही होगा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, बहुत ही सिंपल आंसर है। कंपनीज एक्ट में जितने भी ऑफेंस होते हैं उसको क्या बोलते अपन नॉन कॉग्निजेबल। इसका मतलब होता है कि पुलिस आपको पकड़ सकती है बट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ अरेस्ट वारंट। आपने छोटे मोटे कांड कर रखे हैं ना तो आपको भैया अरेस्ट वारंट चाहिएगा चाहिएगा। आपने मर्डर, डकैती, रेप वेप कर रखा है तो भैया पुलिस आपको उठा के लेके जाएगी सीधा गोदी में, कोई अरेस्ट वारंट नहीं चाहिए, उसको बोलते हैं अपन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कौन से बोलते हैं अपन, कॉग्निजेबल। जिसमें अरेस्ट वारंट चाहिए उसको क्या बोलते हैं अपन, नॉन कॉग्निजेबल। तो 4 मार्क का 6 पॉइंट का एकदम सिंपल सा आंसर है। सो जो मेरी भाषा में लिखते हैं अपन एग्जैक्टली पेपर में लिखिए मार्क्स मिलेगा, एरो वैरो मत मारना, वो आपको थ्योरी में लिखनी पड़ेगी, ठीक है। पहला पॉइंट, all offense, all the offenses under Companies Act 2013 will be non-cognizable offense except section 2126. सारे के सारे offense are non-cognizable except section 2126. ये मैं आपको बता दूँ क्या है? आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ऐसा कुछ SFIO, Serious Fraud Investigation Office. तो fraud कर रखा है 2126 वाला, वही cognizable है, बाकी सारे non-cognizable है। फिर court will take cognizance of offense. Court will take cognizance of offense. मतलब court उसको offense को record तभी करेगा। Cognizance का मतलब है recording of offense. Only on the complaint of 3 people, ROC, shareholders, और a person authorized by CG. कौन complaint कर सकता है? ROC और shareholder और person authorized by CG. इंडिया में अगर shares का कुछ भी नाटक होता है सबसे बड़ी body कौन होती है? हमारी सेबी। So the issue is related to issue of shares or transfer of dividend. Complaint can be made by person authorized by SEBI. In simple words, 4 लोग complaint कर सकते हैं, कौन कौन? ROC, shareholder, पर्सन ऑथराइज बाय सी जी। शेयर्स का नाटक होता है पर्सन ऑथराइज बाय सेबी। ज़ाला नथिंग इन द अबव सेक्शन शैल अप्लाई टू प्रोसिक्यूशन, शैल अप्लाई टू प्रोसिक्यूशन बाय कंपनी ऑफ एनी ऑफ इट्स ऑफिसर्स। नथिंग इन द अबव सेक्शन शैल अप्लाई टू प्रोसिक्यूशन बाय कंपनी ऑफ एनी ऑफ इट्स ऑफिसर। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ राहुल काम करता है कंपनी एक्ट में, क्या लो राहुल कंपनी एक्ट में कुछ भी कांड होता है आपको भैया कंप्लेन करनी पड़ेगी कोर्ट को, कोर्ट उसको रिकॉर्ड करेगा बराबर। पर अभी राहुल ने क्या चोरी वोरी कर रखे, टाइम पर आ नहीं रहा, हमारे यहाँ की लड़कियों को छेड़ रहा है। सो लॉ क्या बोलता है, इसके लिए क्यों 439 उठा रहे हो, तुम्हारे घर का मैटर है इसको, इसके लिए आपको 439 में जाने की जरूरत नहीं, आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लो जो करना है। सो नथिंग इन द अबव सेक्शन शैल अप्लाई टू प्रोसिक्यूशन, मतलब सजा बाय कंपनी ऑफ एनी ऑफ इट्स ऑफिसर, अपने घरेलू मामले को घर में सेटल करो। फिर इफ द कंप्लेनेंट इज आरओसी और पर्सन ऑथराइज बाय सीजी, इफ द कंप्लेनेंट इज आरओसी और पर्सन ऑथराइज बाय सीजी। पता है 2 कटघरे होते हैं कोर्ट में, बीच में जज होता है, यहाँ पर 1 कटघर, यहाँ पर 1 कटघर, 1 कटघर में तो कंपनी खड़ी रहेगी, दूसरे में जिसने कंप्लेन कर रखी है वो। सो अगर इफ द कंप्लेनेंट इज आरओसी या पर्सन ऑथराइज्ड बाय सीजी, पर्सनल अटेंडेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। अरे काहे के तुम्हारे आरओसी वाले, हम बैठे हैं ना, हम देंगे डिसीजन। अच्छा ये सीजी वाले तो बहुत काम है तुम लोग को, मत आओ तुम लोग, अनलेस कोर्ट रिक्वायर्स, कोर्ट बोलेगा तो आना पड़ेगा। जनरली आरओसी और पर्सन ऑथराइज्ड बाय सीजी को आने की जरूरत नहीं है, बट अगर कोर्ट बोलेगा तो आना पड़ेगा। शेयर होल्डर तो वैसे वेल्ला होता है दोस्तों, तो आ जाओ, कुछ काम धंधा है नहीं।
अच्छा, द अबव प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू लिक्विडेशन वाइल वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. द अबव प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू लिक्विडेशन वाइल वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. भैया लिक्विडेटर जब अपॉइंट हो जाता है तो उसको अपॉइंट कौन किया था? कोर्ट. सो लिक्विडेटर ने कोर्ट को तो पता रखा होगा, या कोर्ट को पहले से पता होगा ना कंपनी में कांड हो रखा है वहां पर, तभी तो लिक्विडेशन हो रहा है, तभी तो लिक्विडेटर को अपॉइंट किया. तो वही सेम कांड के लिए लिक्विडेटर तो कोर्ट को क्यों कर रहा है? तो 439 एप्लीकेबल नहीं है. दो जगह 439 अप्लाई नहीं होता. कहां पर? एक तो लिक्विडेशन जब हो रहा है क्योंकि लिक्विडेटर को पता है सारी चीजें. दूसरा चीज, आपका घरेलू मामले में 439 नहीं जाएगा, बाकी हर जगह पर आप क्या बोलोगे? ऑल द ऑफेंसेस आर नॉन कॉग्निजेबल एक्सेप्ट सेक्शन 2126. तीन लोग कंप्लेन कर सकते हैं दोस्त. कौन कौन? आरओसी, बोलो फटाफट. आरओसी, शेयर होल्डर, पर्सन ऑथराइज्ड बाय सीजी. शेयर्स का नाटक हुआ तो पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेबी. घरेलू मामले में ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा. इफ द कंप्लेनेंट इज आरओसी या पर्सन ऑथराइज्ड बाय सीजी, पर्सन अटेंडेंस नहीं चाहिए, कोर्ट बोलेगा तो आना पड़ेगा. नथिंग इन द प्रोविजन शैल अप्लाई टू लिक्विडेशन. हो गया आंसर. 4 मार्क का 3 मार्क का 5 मार्क का 6 मार्क का थियोरी आंसर सेक्शन 439. 2126 जब आएगा मैं आपको करा दूंगा फिर. ठीक है, फिर 446 ये बोलता है आपका एप्लीकेशन ऑफ फाइंस. 446 क्या आपका एप्लीकेशन ऑफ फाइंस. अब देखो अपन क्या बोलते हैं कि भैया कोर्ट जुर्माना भर, कोर्ट ने बोला ए भी जुर्माना भरो. तो अपन ने जो जुर्माना भरा, सो वो जो फाइन कलेक्ट हो ना फाइन, वो पैसा कहाँ यूज होगा? दो ही जगह यूज हो सकता है. एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स में, कहाँ यूज होगा बच्चा? कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग में. दूसरा रिवॉर्ड, जिसने कंप्लेन किया उसको आप क्या दे दोगे? रिवॉर्ड. देखो हो गया सेक्शन, ये रिविजन है इसलिए इतना नहीं पढ़ा रहा हूं दोस्त, ये इतना ही था. सेक्शन नंबर 446 क्या? एप्लीकेशन ऑफ फाइन. इट कैन बी यूजली फॉर टू, वन इज कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग, अदर वन इज रिवॉर्ड टू द पर्सन हु कंप्लेन. बस हो गया आंसर. वेरी एंड वेरी एंड वेरी 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 एंड वेरी एंड वेरी 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 एंड वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, पेनल्टी फॉर फ्रॉड सेक्शन 447. सेक्शन 447 वेरी एंड वेरी एंड वेरी 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 एंड वेरी इंपॉर्टेंट आंसर. ठीक है, अभी क्या बोलता है कंपनीज एक्ट में, वेरेवर यू आर स्टडिंग ऑडिट और यू आर स्टडिंग लॉ, ठीक है, वी आर स्टडिंग ऑडिट और लॉ, जब भी कहीं भी अगर आपको पेनल्टी की बात कर रहे हैं कहीं भी, हमेशा कौन सा सेक्शन कोड करोगे आप? 447. फ्रॉड की जब भी कहीं बात करेगा, फ्रॉड की जो पेनल्टी होगी, कौन सा सेक्शन कोड करोगे आपको? 447. कितनी है? मिनिमम जेल यात्रा 6 मंथ्स, मैक्सिमम 10 ईयर्स. मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 10 ईयर्स, दिस इज नॉर्मल, इतना तो लगेगा ही लगेगा. अच्छा, अगर पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट हो, जैसे सत्यम कांड में शेयर्स गिर गए थे, लोगों को नुकसान पहुंच गया था, तो पब्लिक इंटरेस्ट अगर अफेक्ट होता है, सो मिनिमम जेल यात्रा 3 साल की, मैक्सिमम 10 ईयर्स. मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 10 ईयर्स. सारा वाले फ्रॉड में पब्लिक को फर्क नहीं पड़ता, पर फ्रॉड हुआ था वहां पर, नुकसान अभी तक पहुंचा नहीं था पब्लिक के पास. सो मिनिमम जेल यात्रा जो अपने सुब्रत और रॉय को हुई थी वो मिनिमम 6 महीने की, मैक्सिमम 10 ईयर्स की. पब्लिक इंटरेस्ट हुआ तो 3 ईयर्स, मैक्सिमम 10 ईयर्स. फाइन कितना होगा? फाइन अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड मिनिमम इतना तो लगा. 4,000 करोड़ का फ्रॉड किया तो 4,000 करोड़ ओनली आपको फाइन तो लगेगा ही लगेगा. मैक्सिमम 3 टाइम्स अमाउंट ऑफ फ्रॉड, मैक्सिमम 3 टाइम्स अमाउंट ऑफ फ्रॉड. तो भैया ये आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बोलो मिनिमम जेल यात्रा 6 महीने की, मैक्सिमम 10 ईयर्स की. अच्छा, अगर पब्लिक इंटरेस्ट हुआ तो 3 ईयर्स, मैक्सिमम 10 ईयर्स. एंड फाइन कितना हो जाएगा? मिनिमम अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड, मैक्सिमम 3 टाइम्स अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड. एंड बच्चों, कंपाउंडेबल या नॉन कंपाउंडेबल? बोलो कंपाउंडेबल या नॉन कंपाउंडेबल? नॉन कंपाउंडेबल, क्योंकि फ्रॉड कर रखा है आपने. सेक्शन नंबर कौन सा है? 447. सेक्शन नंबर कौन सा है ये? 447. तीन सेक्शन किए, 439. जल्दी बोलो, 439 नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. फिर क्या अपन 446 एप्लीकेशन ऑफ फाइन, दो जगह यूज होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड रिवॉर्ड. 447 फ्रॉड, याद रहेगा आपको. अब एक छोटा सा सेक्शन है 463, आपके पीएम का आई थिंक सेकेंड लास्ट या लास्ट क्वेश्चन होगा 463. ये बात करते हैं आपके रिलीफ टू डायरेक्टर्स की, ठीक है. अब देखो इसमें क्या होता है, रिलीफ ऑन डायरेक्टर्स. सो देखो, कंपनी ने जब भी कांड किया होता है ना, बेसिकली कंपनी तो कुछ काम करेगी नहीं, बराबर. कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन व्हिच इज मैनेज्ड बाय नेचुरल पर्सन कॉल्ड डायरेक्टर्स. सो डायरेक्टर्स पे लायबिलिटी आ जाती है, ठीक है. सो बेसिकली जब लायबिलिटी की बात करते हैं तो दो प्रकार की होगी, एक होती है सिविल लायबिलिटी, एक होती है आपकी क्रिमिनल लायबिलिटी. जनरली ये दो ही होती है, सिविल और क्रिमिनल. फिर एक होती है कॉम्बो वाले, कॉम्बो में सिविल प्लस क्रिमिनल. बच्चों जरा पहचानना इसको, ठीक है. मैंने सिग्नल तोड़ा, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कह रहा हूँ मैं खाली. मैंने अगर सिग्नल तोड़ा, सिविल या क्रिमिनल? सिग्नल तोड़ा है सर, ठीक है ना, पैसा देकर छूट जाओ, आपको जेल जाने की जरूरत नहीं, तो सिविल. सिग्नल तोड़ा, सामने वाले एक इंसान को ठोका, उसको हाथ बाद में चोट वोट आ गई है,
सिविल सर भरपाई कर दो पैसे से, कोई टेंशन नहीं है। सिग्नल तोड़ा, इंसान को तोड़ा, उसका स्कूटी भी तोड़ा, साले को उड़ा दिया हमेशा के लिए, क्या हो जाएगा? वो क्रिमिनल। तो भैया आप उसको पैसे से नहीं तोड़ सकते, उसको आपको जेल जाना ही पड़ेगा सर। एग्जाम्पल है तो सर, उम्मीद मत करो, खाली एग्जाम्पल है। सो टुडे आई कैन नॉट से यू के बेटा ये 50 ऑफेंस है ये सिविल होते हैं, ये 100 ऑफेंस है ये क्रिमिनल होते हैं। आई कैन नॉट टेल यू, ना कोर्ट बोल सकता। ऑन द बेसिस ऑफ द सिचुएशन जज उसको जज करेगा कि बॉस क्या मास बोला ना, जज उसको जज करेगा कि वो सिविल है कि वो क्रिमिनल है, ठीक है। सो अगर सिविल लाइबिलिटी हो जाए, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी एक फैक्ट्री थी, हमारी फैक्ट्री का गंदा पानी बाजू वाले की फैक्ट्री में जा रहा था। सो हमारी फैक्ट्री का गंदा पानी बाजू वाले की फैक्ट्री में चला गया और डायरेक्टर्स ने बराबर पाइप पाइप बना रखे थे अच्छे से, पूरा सीवेज गटर वटर एकदम सब बराबर सीवेज कर रखा था। अब वो चला गया, उसको नुकसान हो गया बराबर सामने वाले को, तो नुकसान की भरपाई हम कर देंगे ना पैसा दे के, जेल जाने की जरूरत नहीं है। अब अगर जज ने प्रूव कर दिया कि भैया मैं तो पूरे प्रिकॉशन कर रखे, तो भैया मुझसे क्यों सजा ले रहे हो? तो कोर्ट क्या होता, ठीक है जा डायरेक्टर जा जी ले अपनी जिंदगी सिमरन, हम देखो नहीं देते पैसे, कुछ देखो कोई लाइबिलिटी नहीं है। सो अगर वो सिविल लाइबिलिटी होती जब पैसे की बात करता, तो वो क्या हो जाता दोस्त, उससे आपको रिलीफ मिल सकती थी। फॉर एग्जाम्पल हमारा पानी उनके ड्रिंकिंग वाटर में मिल गया, उनके खाने वाने में मिल गया और वहां पर लोग मर गए। वहां पर डायरेक्टर बोल रहा है अरे सर मैंने तो पूरा प्रिकॉशन कर रखा था, वहां पर पाइप बराबर है सीवे, मेरी क्या गलती है वहां पर मरे ना लोग वहां पर तुम्हारी वजह से, तो वो क्या हो जाएगी मेरी क्रिमिनल लाइबिलिटी। एंड अगर वो दोस्त क्रिमिनल लाइबिलिटी हो जाएगी तो डायरेक्टर तेको सजा मिलेगी मिलेगी, तो बॉस तेको वहां पर रिलीफ नहीं मिल सकता। सर अगर कॉम्बो हुआ तो सिविल प्लस क्रिमिनल, अगर तो सिविल प्लस क्रिमिनल हुआ ना तो किसका रूप ले लेगा वो, क्रिमिनल का, तो भी रिलीफ नहीं मिलेगी, तो भी रिलीफ नहीं मिलेगी। सिविल हुआ तो रिलीफ मिलेगा, क्रिमिनल हुआ तो नहीं मिलेगा, कॉम्बो हुआ तो भी नहीं मिलेगा। तो ये आंसर को खाली पीएम से एक बार रीड करना है आपकी टीचर की बुक में से, 463 रिलीफ टू डायरेक्टर्स। देखो सिविल है तो रिलीफ मिलेगा, क्रिमिनल है तो नो रिलीफ, सिविल प्लस क्रिमिनल तो कॉम्बो होता तो नो रिलीफ, 463 झाला। लास्ट सेक्शन, हाँ लास्ट सेक्शन है 455 डोरमेंट कंपनी, अपने आपको देख लो बराबर समझ में आएगा, इतने अटेम्प्ट हो चुके डोरमेंट हो गया अपन तो। एक्टिव या इनएक्टिव बोलो रे बच्चों, एक्टिव या इनएक्टिव, डोरमेंट कंपनी इज लाइक इनएक्टिव कंपनी। सो दो रास्ते होते हैं, एक तो कंपनी क्या होती है वॉलंटरी अप्लाई कर दे कि भैया मेरे को डोरमेंसी का स्टेटस चाहिए, जैसे अपने कंपनी बना दी पर अपना क्या अभी तक वो फैक्ट्री वैक्ट्री बनी नहीं, अपनी मशीन बनी नहीं, काम चालू है, 2-3 साल लगेगा अभी कम से कम, पर अपने कंपनी तो इनकॉर्पोरेट कर दी। अब कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी तो दोस्त को कंपनी से पूरा लागू हो जाएगा, सर तो बोर्ड मीटिंग बुलाओ, AGM बुलाओ, ये झंझट करो, ये रहते बहुत खर्चा है सर, तो एक काम करना आप RO को अप्लाई कर। तो क्या होगा उससे, तेरे को डोरमेंसी का सर्टिफिकेट दे देगा और तेरे को पता क्या स्पेसिफिक प्रोविजन कि दोस्त तेरे को साल में 4 बोर्ड मीटिंग करनी है नॉर्मली, एक काम करो तो 2 ही कर ले, AGM एक करनी होती साल में, तुम 2 साल में एक AGM कर लो चलो, तो स्पेसिफिक प्रोविजन पूरे करने पड़ेंगे। सो ये अपने हो गया वॉलंटरी अप्लाई, ठीक है। चलो एक बार इसको पढ़ते हैं अपन। If there are no significant accounting transaction, क्या है वहाँ पर? If there is no significant accounting transaction, or it is an inactive company, it shall make an application to ROC. ROC will consider the application and will allow the status of dormant company. ठीक है? तो कंपनी के बाद अगर कोई significant transaction नहीं, accounting transaction नहीं होती, जैसे purchase sale कुछ नहीं किया है, तो वो accounting transaction नहीं हुई है अभी भी। मैंने ROC की fees दी, it's a normal transaction. Law क्या बोलते हैं? आपके यहाँ significant accounting transaction होगी तो ही आप active हो। मैंने कोई भी परचेज सेल नहीं कर रखी अभी तक, तो आई हैव नॉट डन एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। सो विल अप्लाई टू ROC, ROC विल कंसीडर द एप्लीकेशन एंड विल इशू मी अ सर्टिफिकेट ऑफ डोरमेंसी, और मेरे को एक बुक में डाल देगा, उसको बोल देगा रजिस्टर ऑफ डोरमेंट कंपनीज, रजिस्टर ऑफ डोरमेंट कंपनीज, ठीक है। फिर रजिस्ट्रार शैल मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ डोरमेंट कंपनी, उसमें मेरा नाम डाल देगा। अब ROC ने मुझे स्पेसिफिक प्रोविजन बोले वो फॉलो करना चाहिए, अगर मैंने वो स्पेसिफिक प्रोविजन फॉलो नहीं किए तो ROC क्या करके मुझे वहां से कैंसिल कर देगा। अगर मुझे रजिस्टर से कैंसिल कर दिया तो डोरमेंसी के रजिस्टर से कैंसिल कर दिया, अगर डोरमेंसी के रजिस्टर से कैंसिल कर दिया तो मैं कहां चला जाऊंगा फिर वो एक्टिव कंपनी में, तो मुझे पूरा कंपनी से फॉलो करना पड़ेगा। सो ये तो जो पार्ट किया अपन, ये तो क्या आपका वॉलंटरी वाला था, ये पूरा वॉलंटरी का पार्ट था। अभी जो कर रहे हैं अपन जो कंपलसरी, जो ROC आपको बनाएगा। अब देखो, इफ द कंपनी हैज नॉट फाइल FS और एनुअल रिटर्न फॉर 2 financial years, एक सेकेंड, और 2 financial year, और 2 financial year, और 2 financial, वहां पर एंड 3 financial year, एंड 3 financial year यहां पर, और 2 financial year, देन रजिस्टर, देन द रजिस्ट्रार विल गिव अ नोटिस टू द कंपनी एंड एंटर द नेम ऑफ सच कंपनी इन द रजिस्टर ऑफ डोरमेंट कंपनी, इन द रजिस्टर ऑफ डोरमेंट कंपनी। बस
अगर आपने FAS फाइल नहीं किए या आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया कितने साल तक, 2 साल तक, तो ROC आपका नाम एक्टिव से हटा देगा और आपको इनएक्टिव में डाल देगा। ये हो जाएगा आपका कंपलसरी, ये कहाँ चला जाएगा आपके कंपलसरी में। ऊपर वाला था वॉलंटरी, सेक्शन नंबर कौन सा है 455, इतने ही सेक्शन है, बस इतना ही इस चैप्टर में। फटाफट बोलिए 439 नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, फिर अपन किए एप्लीकेशन ऑफ फाइन सेक्शन नंबर 446 फ्रॉड 447, एक सेकेंड ना साला सब देख के बोल रहे हो, रुको बता दो तुमको भी। चलो बोला भी, नॉन कॉग्निजेबल 439, एप्लीकेशन ऑफ फाइन 446, फ्रॉड 447, डॉर्मेंट कंपनी 455, रिलीफ 463, 5 सेक्शन है। फटाफट नॉन कॉग्निजेबल 439, एप्लीकेशन ऑफ फाइन 446, पेनल्टी फॉर फ्रॉड 447, फिर अपन ने किया रजिस्टर ऑफ डॉर्मेंट कंपनीज 455 एंड रिलीफ टू डायरेक्टर्स 463, ज़्यादा इतना ही है। फटाफट पीएम कर लो, अपने नीचे की बुक कर लो, या एक और चैप्टर करेंगे वो साथ में कर लेना। टेक अ पॉज इफ यू वॉन्ट टू टेक, लेट्स चिल फॉर 5 मिनट्स, देन विल गो आगे।
चलो, सो नेक्स्ट चैप्टर जो अपन कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपन ई गवर्नेंस. नेक्स्ट चैप्टर कौन सा कर रहे हैं अपन? ई गवर्नेंस. आ जाइए अपने पीछे की बुक में, ई गवर्नेंस. मेरे वाले मेरी बुक खोल लीजिए, फटाक से आ जाएगा आपको. सो लेट्स रिकॉल ऑल द सेक्शंस जो आपने को पढ़ने पड़ेंगे. ई गवर्नेंस में खाली एक ही सेक्शन चलेगा आपका, एक ही सेक्शन है, वो है 153 से लेके 159, द टॉक्स अबाउट योर डिन. 153 से लेके 159, द टॉक्स अबाउट योर डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर. ठीक है, फिर आपके बहुत सारे ई फॉर्म्स आएंगे, आपको याद करने पड़ेंगे. डिन के एप्लीकेशन के लिए फॉर्म नंबर है DIR 3. क्या आएगा? DIR 3. फिर अच्छा, मेरे पास सरनेम नहीं है, मुझे सरनेम का क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा कि मैं अपने पापा या दादा का नाम यूज़ करूँ एज अ सरनेम. जैसे नो ऑफेंस, जैसे साउथ इंडियंस होते हैं उनका सरनेम नहीं होता, तो दे यूज देयर फैमिली मेंबर्स नेम, मतलब फादर हो गया, ग्रैंड फादर, उनका सरनेम लेते हैं. जैसे PV Sindhu, सो उनका नाम अपने को नहीं पता क्या है, T. So-and-so. ठीक है, T. Murugan. सो अपने को नहीं पता क्या है उनका, तो जो सरनेम होता है उनका, इसमें क्लैरिफिकेशन देनी है आपको सरनेम की, वो फॉर्म नंबर 3A. जब ये रूल आया था 2007 में, उस टाइम पे पहले तो मैंडेटरी नहीं था, अब मैंडेटरी हो गया, तो उनके लिए जो ट्रांजिशन फॉर्म था वो था 3B. कंपनी को ROC को इन्फॉर्म करना पड़ता है फॉर्म नंबर 3C में. सी से कंपनी को ROC को इन्फॉर्म करना है 3C. सरेंडर करने का जो फॉर्म है वो है 5. सरेंडर का कौन सा है? 5. फिर डिन फॉर्म में कुछ भी आपको चेंज करना है, डिन फॉर्म में अगर आपको कुछ भी चेंज करना है, अल्फाबेट कितने? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. फॉर्म नंबर क्या है? DIR 6. चेंज इन डिन, DIR 6. चेंज 6 का डबल कितना होता है? 12. चेंज अमाउंट डायरेक्टर करना है तो DIR 12. ठीक है, फटाफट सारे सेक्शंस रिकॉल कर लेते हैं. आइए जरा, ठीक है, आप देखो सेक्शन नंबर 153 से 159, दैट टॉक्स अबाउट योर डिन. फिर अपन ने किया DIR 3, दैट इज बेसिकली योर एप्लीकेशन, बच्चा बराबर. फिर आपने किया था 3A. 3A में क्या होता है? अपना सरनेम क्लैरिफिकेशन जाता है. ठीक है, फिर अपन ने क्या होगा 3B, वो ट्रांसलेशन था, वो याद करने की वैसे भी जरूरत नहीं है. 3C क्या होगा? कंपनी किसको इन्फॉर्म कर रही है? वो ROC को. 4 हट गया है. 5 क्या है आपका? 5 इज योर सुरेंद्र करने जा रहे हैं अपन. एंड 6 मतलब अल्फाबेट चेक कीजिए, क्या हो जाएगा वो? चेंज इन डिन. 6 का डबल बच्चा क्या होता है? 12 मतलब क्या? चेंज इन डायरेक्टर्स. हो गया फटाफट, छोटा सा चैप्टर, आ जाओ फटाफट एकदम मस्त का ऐसे खत्म करते हैं इसको. ई गवर्नेंस, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? MCA 21. क्यों MCA 21? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 21वीं सदी में आता है, इसलिए बोलते अपन 21. ठीक है, बहुत सारे जो बच्चे हैं अपने, उनको पता भी नहीं होगा कि MCA क्या है. उनकी एक साइट चलती है www.mca21. सॉरी क्या लिख दिया, ठीक है, MCA21.gov.in. ये साइट जाइए, आपको सब कुछ ROC का काम दिखेगा. जो प्रकार के ऑफिस होते हैं हमारे, फ्रंट ऑफिस एंड बैक ऑफिस. क्या होता है वो? फ्रंट ऑफिस एंड बैक ऑफिस. मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया, जो लोग आर्टिकल शिप में किए होंगे ROC का काम, आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया, तो द इंटरैक्ट, द इंटरफेस जो आपके सामने वेबसाइट खुली हुई है, वो क्या हो जाएगा? फ्रंट ऑफिस. आपने अपलोड किया, फिर ऑब्वियसली सामने कोई डाउनलोड करेगा, उसको पढ़ेगा, अच्छा उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, तो अपने को तो अप्रूवल आता है अचानक से, तो ऐसा क्या भूत बैठा है क्या वहाँ पर जो आपको अप्रूव देगा? कोई इंसान ही बैठा है ना, तो वो डाउनलोड के सब चीज़ें चेक करता है. वो कौन से ऑफिस में होता है? बैक ऑफिस में. फ्रंट में दो होते हैं आपके, एक होता है वर्चुअल फ्रंट और एक होता है फिजिकल फ्रंट. जब पुराने ज़माने में जब अपन फिजिकल काम करते, जैसे हमारे टाइम पे, ठीक है, जब अपनी उम्र हो गई है, फिजिकल काम हम लोग करते, लाइन में जाके खड़े हो जाते थे. फिर जब ये रूल आ गए कि सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक हो गई, अब उस ज़माने में कंप्यूटर होते नहीं, कंप्यूटर थे तो इंटरनेट नहीं होता था, सो अपने को नहीं पता कैसे करना है, तो हम पूरा पेपर लेके जाके काउंटर में खड़े होते थे. फिर वो लोग क्या करते थे, उसको स्कैन करते थे, भरवाते थे हमसे, पूरा स्कैन करते थे, और DSC यूज़ करवाते थे. DSC क्या है? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, उससे वो अपलोड होता था. तो उसको बोलते अपन फिजिकल फ्रंट ऑफिस, जो आज की डेट में बंद हो गए, क्योंकि अब तो सब चीज़ें सबको समझ में आ गई है. ठीक है, जैसे आपने सुना होगा ना, इनकम टैक्स में TRPs होते हैं, टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स, जो रिटर्न भरते थे आपका, वो आज की में खाली कौन सा चलता है? वर्चुअल फ्रंट. जो ROC की साइट है वो कौन सा है? वर्चुअल फ्रंट ऑफिस. PM में आपके दे रखा होगा पहला या दूसरा आंसर, PFO एंड VFO, पढ़ लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट अटैम्प्ट में आया था, उससे पहले भी एक बार आ चुका है. ROC के दो ऑफिस होते हैं बच्चों, कौन से ऑफिस होते हैं बताइए फटाफट. MCA 21 के दो ऑफिस है, बोलो पहला कौन सा ऑफिस है आपका? एक होता है फ्रंट ऑफिस, एक होता है बैक ऑफिस. फ्रंट में दो होते हैं, कौन सा? एक होता है फिजिकल फ्रंट ऑफिस और एक होता है वर्चुअल फ्रंट ऑफिस. अभी कौन सा चल रहा है आपका? खाली वर्चुअल फ्रंट ऑफिस. ठीक है, 2-3 मार्क का आंसर, 2 मार्क्स ईच, एकदम सिंपल आंसर. सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, सेक्शन 153 से लेके 159, दैट टॉक्स अबाउट डिन, दैट टॉक्स अबाउट डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर. ठीक है, अब देखो मस्त है,
डायरेक्टर बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं, केवल एक ही चीज़ चाहिए, क्या? दिन। खाली क्या चाहिए अपने को? एक दिन। सो दिस इंडिविजुअल हैज़ टू मेक एन एप्लीकेशन टू सी जी इन फॉर्म नंबर DIR 3 अलॉन्ग विद अ फी ऑफ 500 रुपया। सो द इंडिविजुअल हु वॉन्ट टू बी अ डिन आई मीन हु वॉन्ट टू बी डायरेक्टर शैल मेक एन एप्लीकेशन टू सी जी अलॉन्ग विद द फी ऑफ 500 रुपया इन फॉर्म नंबर DIR 3। CG will give the DIN within 30 days. CG will give the DIN within 30 days. जैसे ही डायरेक्टर को DIN मिल गया, भाग के जाइए किसके पास? कंपनी के पास। कितने दिन के अंदर? Within 30 days. कंपनी को जैसे पता चल गया कि डायरेक्टर को DIN मिल गया है, कंपनी जाएगी भाग के किसके पास? ROC के पास। कितने दिन में? Within 15 days. फॉर्म नंबर कौन से अपन किए थे? DIR 3C. DIR 3C. बहुत ही सिंपल है। इंडिविजुअल शैल मेक एन एप्लीकेशन टू CG इन फॉर्म नंबर DIR 3 अलॉन्ग विद द फी ऑफ 500 रुपया। Number 2, CG will allot the DIN within 30 days. Number 3, the individual will go to inform to the company, inform within 30 days. Fourth, the company will inform to ROC, inform number DIR 3C within 15 days. If the company or the officer, मतलब कंपनी ने कुछ भी कारण किया, जैसे कंपनी क्या कारण कर सकती है? ROC को इंटीमेट नहीं किया। मिनिमम पेनल्टी 25, मैक्सिमम 1 लाख। मिनिमम 25, मैक्सिमम 1 लाख। मिनिमम 25, मैक्सिमम 1 लाख। द डायरेक्टर और इंडिविजुअल, देखो मैंने वर्ड यूज किया डायरेक्टर और इंडिविजुअल। आज के डेट में मेरे को डायरेक्टर बनना है तो मैं हो जाऊंगा इंडिविजुअल। पुराने जमाने में जब ये रूल था नहीं, उस जमाने में तो वर्ड डायरेक्टर यूज करेंगे, क्योंकि डायरेक्टर के उस जमाने में कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, खाली क्वालिफिकेशन शेयर्स लेने पड़ते थे, डिन में नहीं था 1995-1997 में, तो उनके लिए वर्ड क्यों यूज किया लोग ने? डायरेक्टर। उन्होंने कुछ भी फॉल्स डॉक्यूमेंट दिया या इंटीमेट नहीं किया, कुछ भी सेक्शन तोड़ा, फाइन अप टू 5000 रुपीज। ये अप टू 5 नहीं, अप टू 50 होना चाहिए। एक मैं विल चेक, अप टू 50 होना चाहिए इसमें। We'll just verify once. बोला ना मैंने, इट इज अप टू 50,000 रुपीज। वहां पर चेंज कर दीजिए प्लीज, इट इज 50,000 रुपीज। बॉर्नविटा का सर दोस्त, ठीक है। हाँ मैं पीता हूँ, अभी भी पीता हूँ, ठीक है। इट इज अप टू 50,000 रुपीज प्लस 500 रुपये पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूस और 6 महीने की जेल यात्रा और बोध, और 6 महीने की जेल यात्रा और बोध। दिस इज 50K मतलब 50,000, ठीक है। सो इतना सा आंसर है कि मिस्टर एक राम है जिनको डायरेक्टर बनना है, तो व्हाट इज द प्रोसीजर? मिस्टर राम हैज़ टू मेक एन एप्लीकेशन टू सीजी इन फॉर्म नंबर DIR 3 अलॉन्ग विद द फी ऑफ 500 रुपीज। सीजी विल गिव द डिन विद इन 30 डेज। मिस्टर राम को ऐसे डिन मिल जाता है, ही हैज़ टू इंटीमेट टू द कंपनी विद इन 30 डेज। कंपनी विल इंटीमेट टू द ROC विद इन 15 डेज इन फॉर्म नंबर DIR 3C। इफ द कंपनी ऑफ द पेनल्टी कॉन्ट्रवेंस इज प्रोविजन 25 से लेकर 1 लाख की पेनल्टी। अच्छा, इफ द डायरेक्टर ऑफ द इंडिविजुअल मतलब राम अगर कॉन्ट्रवेंट करते हैं तो 50,000 अप टू प्लस 500 रुपये पर डे डिफॉल्ट कंटिन्यूस अप टू 6 मंथ्स और बोथ। सेक्शन नंबर 153 से लेके 159, सेक्शन नंबर 153 से लेके 159। अगर इतने सारे सेक्शंस एक ही आंसर में अट्रैक्ट हो रहे हैं, सो हर लाइन पे सेक्शन मत याद कीजिए, ब्लॉक सेक्शंस 153 टू 159 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बस, ठीक है। फिर एक अलग से 4 मार्क का आंसर आता है कि मिस्टर राम को जानना है कि उनको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ते और कौन सा फॉर्म भरना है डिन की एप्लीकेशन के लिए। सो आप क्या बोल दो कि DIR 3 भरना है दोस्त, और तेरे को कुछ 4 डॉक्यूमेंट देने। पहला, ओ हो हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ। क्या जाएगा आपका? हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ। यू हैव टू बाय आईफोन X। देन तुम जैसे लोगों के लिए क्या चाहिए अपने को? पैन। क्या चाहिए अपने को? पैन इज मैंडेटरी नाउ। मेरे लिए कॉपी ऑफ पासपोर्ट फॉर फॉरेन नेशनल्स बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लंदन। या मुंह मत बनाओ, आई कैन अफोर्ड, ठीक है। देन प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ नॉट ओल्डर देन 2 मंथ्स। प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ नॉट ओल्डर देन 2 मंथ्स। सो आपको 4 डॉक्यूमेंट देने दोस्त। पहला क्या देना आपको? एक हाई रेजोल्यूशन स्माइलिंग वाला फोटोग्राफ आपका। फिर आप देशवासी हो तो आपको देना पड़ेगा एक पैन कार्ड। हम जैसे विदेशी लोगों को क्या देना पड़ता है हमको? हमका देना पड़ी का, हमको देना पड़ी पासपोर्ट। हमारा जो एड्रेस प्रूफ हुई यू शुड नॉट बी ओल्डर देन 2 मंथ्स। 4 डॉक्यूमेंट्स देने, ठीक है। अच्छा, DIR 3 कौन साइन करेगा? इट हैज टू बी साइन बाय द, इट हैज टू बी साइन बाय द नंबर 1 It has to be signed by the applicant and a CA or a CS or a CMA. दुनिया के 3 महान लोग कौन? CA, CS, CMA और कंपनी का जो होल टाइम सेक्रेटरी है वो, और द कंपनी का जो MD है वो भी साइन कर सकता है। इन सिंपल वर्ड्स DIR 3 में कितने साइन हो जाएंगे? DIR 3 में कितने साइन हो जाएंगे वहाँ पर? 3। कितने साइन होंगे वहाँ पर? 3। कितने साइन होंगे वहाँ पर? 3। कितने साइन होंगे वहाँ पर? 3 के 1 के 2 के 4 के 5। कितना साइन होगा वहाँ पर? खाली 2 साइन होंगे। कैसे? एक साइन तो करेगा एप्लीकेंट वो, एंड
या तो दुनिया के तीन महान लोग से साइन करवा लीजिए आप, सी ए सी ए सी एम ए, या फिर जो कंपनी में ऑलरेडी जॉब कर रहा है सी एस उससे साइन करवा लीजिए, या आप कंपनी के एमडी से साइन करवा लीजिए। फर्क क्या होता है? इफ अ प्रैक्टिसिंग सी ए सी एस सी एम ए साइन करते हैं तो 24 घंटे में आपका डिन अप्रूव हो जाता है, पर अगर वो जॉब वाला सी एस या फिर अगर एमडी साइन करते हैं तो उसको टाइम लगता है, मे बी 2-3 दिन में आपका अप्रूवल आ जाए, ये फर्क होता है। पर जो दुनिया के तीन महान लोग हैं वो आपसे पैसे भी लेंगे दोस्त, वो भी सब काम इतने मेहनत से डिग्री कमाए, पैसा तो लेगा ना रे, ठीक है। तो साइन कितने होंगे वहाँ पर? खाली 2 ही साइन होंगे, वन इज एप्लीकेंट, अनदर वन इज सी ए सी एस सी एम ए और कंपनी का सी एस या फिर कंपनी का एमडी, ठीक है। फिर इसमें भी छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, इफ माई डिन इज रिजेक्टेड, इज इट रिजेक्टेड, एम आई अप्लाई टू नेसेसिटी, सॉरी इंग्लिश बोला था तोतला है अपना, इज इट नेसेसरी टू मेक अ फ्रेश एप्लीकेशन, येस वी हैव टू अप्लाई फॉर द फ्रेश डिन, इट इज रिजेक्टेड। अच्छा, इफ इट इज पुट अंडर रीसबमिशन, रीसबमिशन डू वी नीड टू अपटेन अ फ्रेश डिन, नो, सबमिट द एडिशनल डॉक्यूमेंट्स फॉर रेक्टिफिकेशन विद इन 15 डेज। जैसे अपने एड्रेस प्रूफ ओल्डर देन 2 मंथ्स दे दिया, अपना फोटोग्राफ बराबर दिख नहीं रहा है, सो आपका भी रीसबमिशन में गए तो 15 दिन में आप क्या कीजिए, वापस एक नई एप्लीकेशन, आई मीन नई एप्लीकेशन है, आप उसी को 15 दिन में सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। रिजेक्ट हुई है, फ्रेश, रीसबमिशन में गई है, नो फ्रेश, वापस बोलते हैं रिजेक्ट हुई है, फ्रेश, रीसबमिशन में गई है, नो फ्रेश, ठीक है। फिर प्रोसीजर फॉर कैंसिलेशन, अब ये आंसर है इसमें लिखा हुआ नहीं है एक्चुअली, इसे शायद स्किप हो गया है, आपके पीएम में एक आंसर है, लास्ट आंसर, ठीक है, कैंसिलेशन का और रीसबमिशन का मैं आपको बताता हूं। सो दो आंसर करेंगे अपन, एक तो करेंगे अपन चेंजेस वाला आंसर, तो आपकी जो टीचर की बुक है उसको खोल लीजिए, पीएम खोल लीजिए, उसमें मिलेगा आपको चेंज, ठीक है। चेंज के लिए बच्चों फॉर्म कौन सा था अपना, कौन सा फॉर्म था, DIR6 अल्फाबेट 666, बराबर, देखो मस्त इजी एकदम। सो मैं आंसर पढ़ रहा सीधा, एवरी इंडिविजुअल हु हैज बीन अलॉटेड डिन इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज एज स्टेटेड इन द पर्टिकुलर्स ऑफ फॉर्म नंबर DIR3 में कोई भी चेंज होना है, शैल इंटीमेट द सच चेंज टू द सीजी विद इन सामूहिक डेज 30 डेज इन फॉर्म नंबर DIR6। एवरी इंडिविजुअल हु वांट्स टू मेक चेंजेस इन फॉर्म नंबर DIR3 शैल मेक एन एप्लीकेशन टू सीजी इन फॉर्म नंबर DIR6 विद इन 30 डेज ऑफ सच चेंज, सिंपल, अब फुल टाइम पास है। द एप्लीकेंट शैल डाउनलोड द फॉर्म DIR6 फ्रॉम द पोर्टल, फिल इन द रिलेवेंट चेंजेस, वेरीफाई द फॉर्म and attach the scanned copy of the proof of the change particulars and submit electronically. Fir, अरे बाबू कहाँ गया तू? The form shall be digitally signed by the दुनिया के तीन महान लोग practicing CAS or CMA and the applicant shall submit form DIR6. फिर अब क्या होगा? अब तो time pass होगा. The CG upon being अगर खुश हुआ तो क्या करेगा? Will verify such changes. ठीक है, will verify such changes and enclose proof. And shall incorporate the said changes and inform the applicant by way of letter of post or electronically or any other mode. Fir, the DIN cell of MCA, kya karenge? Shall intimate the changes in the particulars of director submitted to it in DIR6 to the concerned ROC, under whose jurisdiction the registered office of the company is situated. The concerned individual shall also intimate the change to the company within 15 days. So, aapko CG ko batana hai DIR6 mein, kaun se form hai DIR6 mein, kitne din mein? 30 din mein. सीजी अगर खुश हुआ तो आपका चेंज रिकॉर्ड कर देगा और आपके आरओसी को इन्फॉर्म कर देगा, आरओसी को इन्फॉर्म करते दोस्त तू भी अपने कंपनी को इन्फॉर्म कर दे विद इन 15 डेज। तो ये है, सो इसमें केस बन के आ सकता है 4 मार्क का, मिस्टर एक्स है, उनको अपना डायरेक्टर जैसे उनका एड्रेस चेंज हो गया, उनको कुछ चेंज करना है, तो प्लीज गाइड हिम, तो आपका ये प्रोसेस है, ठीक है। फिर एक और आंसर आपका, प्रोसीजर फॉर कैंसिलेशन और सुरेंडर और डीएक्टिवेशन ऑफ डिन, ठीक है, कैंसिलेशन, सुरेंडर, डीएक्टिवेशन। सुरेंडर का एक फॉर्म से कहता है अपन DIR5। सो देखो मस्त है, तो उसमें कुछ ग्राउंड्स है, 6 ग्राउंड्स, 6 नहीं 5 होंगे आई थिंक, 5 के 6 ग्राउंड्स है। पहला देखो मस्त लिखता है, द सीजी का नाम क्या है पर, रीजनल डायरेक्टर नॉर्दर्न रीजन नोएडा, टाइम पास, ठीक है, द सीजी, ठीक है, मे अपॉन बीइंग सेटिस्फाइड ऑन वेरिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर्स और द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अटैच विद द एप्लीकेशन रिसीव्ड अलॉन्ग विद द फी एज स्पेसिफाइड इन कंपनीज रूल्स फ्रॉम एनी पर्सन मे कैंसिल और डीएक्टिवेट द डिन इन केस, ये ग्राउंड्स याद करना है। पहला, DIN is found to be duplicated in respect of the same person, provided the data related to both the DIN shall be merged with a validly retained number. पहला ग्राउंड है duplication का। Number 2, cheating करके लिए थे आप। The DIN was obtained by the wrongful manner or by fraudulent means, ठीक है? ये इसको कट कर देंगे। अब देखो time pass है। Before cancelling or deactivation in clause B, and भौंकने का मौका should be given to him. What is भौंकने का मौका? Opportunity of being heard. तो दूसरा ground है wrongful or fraudulent means. तीसरा, सी से क्या हो जाएगा, वो डेथ हो गया। टी, मेरे ऐसा बन गया, कंसर्न इंडिविजुअल हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, या फिर से मेरे जैसा बन गया, भिखारी,
इफ द कंसर्न इंडिविजुअल हैज बीन एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, ठीक है, सी सेट इज डेथ, डी सेट इज अनसर्टेन, ई सेट इज इंसॉल्वेंट, एफ मस्त है, ऑन एन एप्लीकेशन मेड, ऑन एन एप्लीकेशन मेड इन DIR 5 by the DIN holder to surrender his or her DIN along with the declaration that he has never been appointed as a director in any company and the DIN has never been used for any filing of document with any authority, CG may deactivate such DIN. But before deactivation, the CG shall verify e-recalls. Itna sa answer hai. 6 grounds hai. Pehla ground kya tha wahan par? Bataiye fatafat. Boliye. Pehla ground. Dekho, jaldi dekho. Pehla ground kya hai wahan par? वो डुप्लीकेशन हो रखा है. नंबर टू, रॉन्गफुल और फ्रॉडलेंट मींस, मतलब उससे पहले भौंकने का मौका देंगे. सी से डेथ ऑफ इंडिविजुअल, डी से अनसॉल्व माइंड, ई से इंसॉल्वेंट, एफ से सुरेंडर इन फाइव, कि वो कभी डिन यूज हुआ ही नहीं. इतना बच का आंसर आफ्टर है. तो दो ही आंसर इसमें, तो चेंजेस वाला आंसर, चेंज के लिए 6 चलेगा, सरेंडर के लिए 5 चलेगा. गया दिमाग में फटाफट. सेक्शन नंबर 153 से लेके 159 DIR 3 एप्लीकेशन, 3A सरनेम क्लैरिफिकेशन, ट्रांजिशनल के लिए क्या था, 3B कंपनी ROC को, सी फिर 5 किसके लिए था, 5 सरेंडर, चेंज के लिए क्या था, चेंज 6 डबल 12 किसके लिए, चेंज अमाउंग डायरेक्टर्स. चार डॉक्यूमेंट्स आपको देने, कौन से, हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ, पैन कार्ड, विदेशी वालों के लिए पासपोर्ट, एड्रेस प्रूफ नॉट ओल्डर देन 2 मंथ्स, ठीक है. अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा जो अपनी मेरे नोट्स में भी कवर नहीं, आई थिंक PM में भी कवर नहीं है, वो बहुत ही ईजी है, आपको आएगा. What are the grounds on which the DIN can be rejected? And if it is rejected, do it need to apply for the fresh? Rejected, sir, yes. What if it is under resubmission? Sir, no fresh. 15 दिन में आप rectify करके document submit कर दीजिए. So मेरे को जानना है कि कौन-कौन से grounds में DIN reject हो सकता है. Sir, वो जो चार पड़े उसको उल्टा कर दो ना. Photo नहीं दिए आप पैन कार्ड नहीं दिए आप, अपना पासपोर्ट नहीं दिए, अपना एड्रेस आपने 2 महीने से ज्यादा का उल्टे दिया. सर जेंडर रॉन्ग भर दिया अपन अपना अपना बात कर दो, अपन बराबर भरेंगे, ठीक है. जिसको डाउट है वो देखेगा जेंडर अपन ने बराबर नहीं भरा. अच्छा DIR 3 में मिस्टेक कर दिए सर, आप DSA अटैच नहीं किए. सर उसमें साइन चाहिए था ना, कितने लोग का साइन चाहिए था वहाँ पर, 2 लोग का बराबर, एप्लीकेंट का साइन चाहिए था एक तो, और CA CMA या फिर कंपनी का MD या फिर कंपनी का CS. सर आप साइन नहीं करवाया हमसे, भूल गए अपन, समझा. तो ये सारे ग्राउंड है रिजेक्शन के, गया दिमाग. विद दिस ई गवर्नेंस इज ऑल्सो डन. सो विद दिस अपन ने प्रोड्यूसर किया, अपन ने ऑफेंस मैनलिस्ट किया, अपन ने ई गवर्नेंस किया, फटाक से 3 चैप्टर PM से उड़ा लो, तो यू विल बी एट पार विद मी. कूल, चलो वेट फॉर द नेक्स्ट क्लिप. बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.